दवा मुर्दा हो जाएगी अगर हम उसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे। और मैं ये भी अर्ज करूंगा, ये एक इंटरव्यू में तकी आपकी सामने फरमाया था मशहूर जुमला कि इस घर को चिराग लग गई घर के चिराग से, ये हमेशा है कि पिछले 40-50 सालों से हम ही लोगों ने उर्दू को बर्बाद किया है, हम ही लोगों पर पूरी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस जबान ने तरक्की क्यों नहीं की और इस जबान को लोगों ने क्यों नहीं अपनाया, जबकि इतनी मीठी जबान, इतनी आसान जबान, और उसको हम खुद ही भूल बैठे। ना हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं उर्दू जबान पढ़ें, ना हम इस जबान का इस्तेमाल तजारती तौर पे करते हैं, ना हम इस जबान का इस्तेमाल तकनीकी तौर पर करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि आज से 50 साल पहले जितने अच्छे तरीके से उर्दू जबान हम लोग बोलते थे, जितने अच्छे तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, आज हम 20% और 10% नहीं करते। आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे और हमने उनसे सीखा, वो शायद अब हम नहीं करते ना हमारे बच्चे करते। हमारे बच्चे उर्दू में कम्युनिकेशन के बजाय दूसरी जबानों का इस्तेमाल करते हैं, आपस में मैसेज अगर करना है तो उर्दू के बजाय रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि भले ही मैं अमरोहा फाउंडेशन से वापस का हूं, लेकिन अमरोहा फाउंडेशन ने इस उर्दू को फरोग के लिए हमेशा से बहुत कोशिश की, और खास तौर पे जो यह कोरोना का पीरियड गुजरा है पिछले 2 सालों का खास तौर पर, उस पीरियड में बेशुमार मुशायरे, बेशुमार महफिलें, बेशुमार जलसे इस तरीके से किए हैं कि उर्दू को फरोग हासिल। नौजवान शायरों का मुशायरा मुनक्कद किया हम लोग फाउंडेशन ने, महफिलें मुनक्कद की, उन लोगों को मंजर आम पर लाया गया जो एक तरीके से खामोश जिंदगी गुजार रहे थे, जिनसे हम उर्दू की शाइस्तगी का और उर्दू की बातों का पैगाम दूसरों तक पहुंचे। मैं यही अर्ज करूंगा कि बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, हम उर्दू जबान को अपनाएं, कोशिश करें कि हमारे बच्चे उर्दू जबान भी सीखें और जबानें भी सीखें, दूसरे लोग भी उर्दू जबान सीखें, उसकी मिठास से, उसकी आसानी की वजह से। हम खुद ही अगर इस्तेमाल नहीं करते करेंगे उर्दू जबान तो फिर और दूसरा कौन करेगा। आज के इस प्रोग्राम जैसे कि हमारे नादिम साहब ने फरमाया है कि सबसे खास बात तो हमारा मकसद ये करते हैं उर्दू की अजीम शख्सियत अभी साहब के साथ बात करें, और उसके साथ पिछले 2-3 सालों से जो अमरोहा फाउंडेशन कुछ अवार्ड से नवाज किया है
अमरोहा की शख्सियत को, उनको हम नवाजें। कुछ एनजीओज हैं जिन्होंने कोरोना के पीरियड में बहुत बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाती तौर पर बहुत समाज की खिदमत की है। टी गोयल साहब का नाम है, महबूब साहब का नाम है, एक नौजवान डॉक्टर सादिक हैं, शाले सादिक, जो कि नई बस्ती, जो कि दिल्ली की निजामुद्दीन में बेपनाह मकबूल डॉक्टर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने और किसी ना किसी तरह से अनुभव का नाम रोशन किया है। उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मंजर आम पर लाए, इसलिए नहीं कि अमरोहा फाउंडेशन उनको कुछ खास तरीके से ट्रीट करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो एक नौजवान नस्ल के लिए मिसाल बन रहा है। और हमारे जो बच्चे उनको देखें तो ये कोशिश करें कि हमें भी इससे भी बढ़कर आगे जाना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और नाज़िम साहब से दरख्वास्त है कुछ काम करें। सैयद हसन शुजा साहब जो हमारे अंजुमन का फजलदारी बहुत सदन है और डेली सहाफत उर्दू टेलीविजन एडिटर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। तशरीफ लाए हसन शुजा साहब, हमारी नुमाइंदा अंजुमन जो अमरोहा में सियासत की नुमाइंदगी करती है, दरखास्त कर रहा हूँ कि वो अपने आदमी साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं और हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सियाज साहब का इस्तकबाल करें। जनाब तकी आदी साहब और हुजूरुल इस्लाम अल मुस्लिम हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सियाज साहब का लगा जो आज की इस खूबसूरत महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सियाज साहब का इमाम जमात अमरोहा का इस्तकबाल कर रहे हैं। फरमान हैदर साहब, सिद्दीक हैदर साहब और इकबाल हैदर साहब भाई आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम जिसमें हमारे शहर की अदबी समाजी और इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, दिल्ली से भी हमारे कुछ मेहमान मौजूदों से तशरीफ लाए हैं, हम उनका अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए एक शायर एक मुकद्दर आपके सामने पेश करूं। मैं इस सिलसिले में अमरोहा के नुमाइंदा और नौजवान शायर जो बहुत खूबसूरत शेर कह रहे हैं, जरा फराज अर्शी साहब से दरख्वास्त करूंगा। फराज अर्शी साहब तशरीफ लाएं
और जैसा कि मुंतजमीन हजरत ने कहा है कि पांच नाते पाक या मुतलक के पेश करें हमारे शहर के नौजवान नुमाइंदा शहर नाम फराज अर्शी साहब तशरीफ ला रहे हैं। पता है कि मुस्तफा आपके जमाल की रात, मुस्तफा आपके जमाल की बात हो रही है यहाँ कमाल की बात, मुस्तफा आपके जमाल की बात हो रही है यहाँ कमाल की बात, और जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, याद रखना नबी की आल की बात, जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, याद रखना नबी की आल की बात। और मतलब देखेंगे कि फिरदौस में मकान है कमर के सामने, फिरदौस में मकान है कमर के सामने, किसका नसीब हुर के मुकद्दर के सामने, फिरदौस में मकान है कमर के सामने, किसका नसीब हुर के मुकद्दर के सामने, और तशना नबी की जंग की सहराबियों के सामने, तशना नबी की जंग थी सहराबियों के साथ, सीने खड़े थे दश्त में खंजर के सामने, तशना नबी की जंग थी सहराबियों के साथ, सीने खड़े थे दश्त में खंजर के सामने, और कैसी फरात, कौन सा पहरा था, कहां की जंग, कैसी फरात, कौन सा पहरा, कहां की जंग, अरे कतरों की क्या किताब कमर कर के सामने, कैसी फरात, कौन सा पहरा, कहां की जंग, कतरों की क्या किताब समंदर के सामने, शेर हजरे के सरवर से जंग, जंग रसूले समन की, सरवर से जंग, जंग रसूले समन से थी, उम्मत खड़ी हुई थी पैगंबर के सामने, सरवर से जंग, जंग रसूले समन से थी, उम्मत खड़ी हुई थी पैगंबर के सामने, उम्मत खड़ी हुई थी पैगंबर के सामने, और बेशीर मुस्कुरा दिया ऐसे मुकाम पर, बेशीर मुस्कुरा दिया ऐसे मुकाम पर, आए जहां पे मौत भी डर के सामने, बेशीर मुस्कुरा दिया ऐसे मुकाम पे, आए जहां पे मौत डर के सामने, और ये कह के देख रोक ली शब्बीर ने फराज, ये कह के तेग रोकी शब्बीर ने फराज, तस्लीम हूं मैं मर्जी दावर के सामने, तस्लीम हूं मैं मर्जी दावर के सामने, फराज अर्शी साहब को अहमद को पेश कर रहे हैं जनाब सिद्दीक हैदर साहब पैटर्न अमराज फाउंडेशन, और खूबसूरत अशार नाजपात और मकबरत के पेश किए फराज अर्शी साहब ने। मैं दरखास्त करूंगा अदालत के साथ अदालत मराना डॉक्टर सैयद शहबाज सज्जाद कबला से दो तशरीफ लाएं और मुख्तसर अपने अवतार से नवाजे डॉक्टर शहबाज सज्जाद कबला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله وصلي على رسوله الكريم
हकीम की पुरानी कई नून वल कलम ओमा यस्तरून सदर मोहतरम मेहमान जी वकार जलसा जिस आय करीमा को मैंने सरनामा कलाम करार दिया वो सूरह कलम की पहली आयत कि जिसमें गुलाम आलम कलम की अजमत का ऐलान इस अंदाज से फरमा रहा है कि नून वल कलम कसम है कलम की और उस तहरीर की जो लिखी है। मोहतरम हज़रात कुरान की अगर इस आयत करीमा में हम गौर कर लें तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि इस्लाम में तालीम और तअल्लुम और लिखने पढ़ने की कितनी अहमियत है। इसलिए कि खुदावंद आलम ने कलम की कसम खाई, कलम की कसम खाई, और आप बेहतर जानते हैं कि कलम की कसम खाने का मकसद क्या है। कसम का फलसफा ये होता है कि जब कलाम में जोर पैदा करना होता है तो उस बात को कसम खाकर पेश किया जाता है। अगर खुदावंद आलम चाहता तो कुरान मजीद की किसी भी आयत में कलम का तस्करा कर देता, लेकिन उसने एक नया अंदाज अपनाया कि नहीं, सरसरी तौर पर कलम का तस्करा नहीं होगा बल्कि मैं कसम खाकर कुरान का कलम की अजमत का ऐलान करूं। नून वल कलम हुमा यस्तरून के कलम की कसम है और उस तहरीर की कसम है कि जो लिखी जाए। अज़ीज़ाना मोहतरम खुदावंद आलम ने कलम की कसम खाकर दुनिया को मुतवज्जे किया कि देखो कलम की अजमत यह है कि जब तक मेरा कुरान बाकी रहेगा कलम की अजमत बाकी रहेगी, और यह कलम इतना अहम है कि मैं उसकी कसम खा रहा हूं। इसलिए कि कसम मोहतरम शेख की खाई जाती है या महबूब करीम शेख की खाई जाती है। खुदावंद आलम ने कलम की कसम खाकर यह बता दिया कि कलम ही मेरी निगाह में मुहर्रम है और कलम ही मेरी निगाह में महबूब। जाहिर सी बात है कि जब कलम की यह अहमियत है खुदावंद आलम की निगाह में तो फिर साहिब कलम की कितनी अहमियत हो। और इसका तस्करा आप देखें कि कुरान में वल कलम हुमा यस्तरून सिर्फ कलम की कसम नहीं खाई खुदावंद आलम ने बल्कि उस तहरीर की भी कसम खाई है कि जो लिखी जा रही है। अगर खुदावंद आलम सिर्फ कलम की कसम खाता और इंसान समझता कि सिर्फ कलम की कसम खा रहा है, कलम की अजमत बयान कर रहा है खुदावंद आलम, लेकिन याद रखे हुमा यस्तरून इस बात की अक्कासी कर रही है कि अल्लाह हर कलम की कसम नहीं खा रहा है बल्कि उसी कलम की कसम खा रहा है कि जो हरकत में है जिससे तहरीर जारी। हुमा यस्तरून कहने का मतलब ही यह है कि हर कलम लायक एहतराम नहीं है बल्कि वही कलम लायक एहतराम है कि जिसका सिलसिला जारी है जिससे तहरीर आलम वजूद में आ रही है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह कलम की भी कसम खा रहा है और साहिब कलम की भी अजमत का ऐलान कर रहा है तो भेजा नहीं होगा, इसलिए कि जब कलम की अहमियत है तो फिर साहिब कलम की भी अहमियत। और खुदावंद आलम ने कुरान में इसीलिए तस्करा किया कि याद रखो कि दुनिया की निगाह में कोई और चीज अहम हो तो हो, किसी की निगाह में मान और दौलत की अहमियत हो तो हो, किसी की निगाह में हुकूमत रफ्तार की अहमियत को तो हो, किसी की आज की अहमियत को तो हो, कसम खा रहा हूं कुरान आलम के हवाले से। अज़ीज़ान मोहतरम बस लायक एहतराम है वो अफराद
के जो कलम कद्दास के क्षेत्रों को मसरूस है, आज रंगह मुसर्रस हो रही है। क्या जो अपने शहर अमरोहा में उस इल्मी और अदब शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आलम के पैमाने पर इल्म और अदब की खिदमत में मसरूस है, जो अदबी खिदमत के साथ साथ मजहबी और वो शख्सियत इतनी आदारी को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, तो उन्होंने वो बुजुर्ग कि जिनके आसार अखी थे पर्दे खिफा में थे, उनको आपने मुरत्तब करके दुनिया के सामने पेश किया, और वो शख्सियात की जो गुम हो गई थी उनको बाकायदा मंजर आम पर लाकर उनका तारुफ दुनिया के सामने पेश किया। आप देखें चाहे वो हजरत अल्लामा नज़्मी अफंदी जिनकी अहम खिदमत करके उस मिलकी शख्सियत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कुरान की इस आयत पर कि कुरान का ऐलान है कि जिसने एक शख्स को जिंदा किया वह उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। तभी साहब किसी एक शख्सियत को जिंदा नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी बनी और इंसानियत को जिंदा कर रहे हैं। बस गुफ्तगु को यही खत्म करता हूँ। مختصر کلام اور مختصر افکار سے مقررین اور شعراء حضرات نوازے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں اس علم ادبی خانوادے کی عظیم شخصیت، شہر کی سماجی شخصیت، ادبی شخصیت، علمی شخصیت، جن کے خانوادے نے فارسی اور اردو کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ میری مراد ہے جناب بھوپیش کمار شرما بھون امروتی سے جو تشریف لائے اور مختصر اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازے۔ میرے بار بار مختصر پر ضرور غور کریں گے سب لوگ۔ میں درخواست کر رہا ہوں بھوپیش جی کی تشریف لیں۔ معزز حاضرین آداب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر تقی عادل صاحب ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں جو انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہیں۔ یقینی طور سے ڈاکٹر عظیم امروہی اب سے 15 سال پہلے ان کو لانا چاہتے تھے مگر کسی مجبوری کے سبب ہوتا ہے وقت کے اوپر آنا ممکن نہ ہو سکا۔ میں امروہا آپ کی طرف سے ان کے لیے لائے ہے فرمان ہے در شخصیت ایسی عظیم، لائے ہے فرمان ہے در شخصیت ایسی عظیم، جو کہ عالی مرتبہ ہے صاحب تمکین، جو کہ عالی مرتبہ ہے صاحب تمکین، صاحب اخلاق ہے اور دل کے ہیں یہ ڈاکٹر، صاحب اخلاق ہیں اور دل کے ہیں یہ ڈاکٹر، کارنامے کی قدم میں قابل تحسین، اور
फसल रही है आज की ये शुभम के नाम से सल गई है आज की ये शामी के नाम से और कितनी शोहरत पाई है सिद्दे नबी के लाने कितनी शोहरत पाई है सिद्दे नबी के लाने पूछ लो तुम आए भुवन ये बात हासो और शाह और मासूम देवता मस्त शाह विलायत और वासु देवता है महल सब लोग शांति का है महल सब लोग शांति का है माहिरे उसकी क्या तारीफ हो जो है कमाल उसकी क्या तारीफ हो जो है कमाल और तेज शायर भी है रहा है घुमन देख कर लो के सुखन शायर भी है रहा है घुमन शेर फैमी पर पाया इस कदर माया शेर फैमी पर पाया इस कदर माया मिले शेर फैमी पर माया इस कदर आदरणीय भवनेश कुमार शर्मा भगवान मोदी ने आपकी साधना शख्सियत के सिलसिले में बेहतरीन अशार से नवाजा उनको मेमोरियल पेश कर रहे हैं मेरे साथ भवनेश जी को अब हमारे जो मेहमानान जिम्मेदार हैं जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है उनको डॉक्टर तकियाती साहब के कस्ते मुबारक से मैं उनको पेश किया जाएगा। मैं दरख्वास्त लगाऊ फरमान हैदर साहब से अमरा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सेक्टर हैदर साहब से कि अफजाल हैदर साहब भी तशरीफ ले आए इकबाल हैदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं तकियाती साहब के कस्ते मुबारक से हमारे मेहमानाने जिम्मेदार को अवार्ड किया जा रहा है। जनाब हसन शुजा साहब डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब जो डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी की शख्सियत किसी की तरह मोहताज तारुफ नहीं है। डॉक्टर सिराज हाशमी एडवोकेट जिन्होंने इन्हीं मैदान में वो बार आए माया अंजाम दिए हैं कि अगर उन्होंने सर सैयद सानी कहे तो इसमें हम लोग अमरोहा के वो लोग जिनको एजुकेशन खास तौर पर हमारी तालिबात को जो एजुकेशन के उन्होंने दायरे कायम किए हैं वो लाए थे तहसीन है काबिल मुबारकबाद है उनको मेमेंटो पेश कर रहे हैं तकियाती साहब सिराजुद्दीन हाशमी एडवोकेट सिराजुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब को ये मेमेंटो और शॉल पेश की जा रही है। भुवनेश कुमार शर्मा जी ने जो किताब मुंतखब की है
उन्होंने की है उनके इस बात के ऊपर गई है अब ये मुबारकबाद है साहब उनको उर्दू की बेहतरीन क्षमता ध्यान दे रहे हैं साहब के लिए ये हमारे जो मेहमान आने की क्षमता है हमको आदि साहब के दस्तमारक से प्रवाद किया गया और मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और दरखास्त कर रहा हूँ सिराजुद्दीन हाशमी साहब एडवोकेट अभी मंजूरी साहब की माता में बहाल हो गया है उसमें ले जा रहे हैं हम बुला रहे हैं उनकी आमद के और अमला फाउंडेशन उनका शुक्रिया अदा करता है जो अपने विकास कर यहाँ से सीखता है अब मैं दरखास्त कर रहा हूँ क्या कह रहा मुकर्रे श्री बयान अजब मौलाना रदानी साहब रजन से और मुक्त शरण अपने अपना से आप हजार को नवाजे जिस बात से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ वो बात ये थी कि आप रसाई अपने सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे और तकनियात के ऊपर जब गुफ्तगू की आपने तो उसमें आपने बताया कि जब मजालिस होती थी तो उसमें सिर्फ शबीह कहवाना अली असगर होता था न जनाब अब्बास का आलम था न जनाब कासिम की मेहदी ये एक बड़ा हसास पहलू है जो आपने उजागर किया और आपने पेशे से डॉक्टर है लेकिन
उर्दू की वकालत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उर्दू की कम नसीबी यह है कि जो लोग कहते हैं कि जबान हमारी है, वो सिर्फ जबान से कहते हैं, अमल नहीं करते। ये बात मैं तारीफ में कह रहा हूं, तनकीद में नहीं कह रहा, कि 1000 साल हिंदी को हिंदू औरत ने घर में महफूज रखा, लेकिन हम 60 साल उर्दू को महफूज नहीं रख सके। हमारे घर में जो लड़की एम ए करती है उर्दू में, वो खत हिंदी में लिख के भेजती है। ये तो नसीबी है। मैं पतियाला के सिलसिले में मुसिफ एक रुबाई मुझे याद आ रही है, जो बहुत खूबसूरत और तबीर साहब क्या वकालत कर रहे थे, 1,20,000 शेर उन्होंने कहे, और एक तबीर तादाद है जो रुबाइयात की आपने मुस्तकिल तरीके से हर शायर के ऊपर पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे शायरों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनको लोग शायद पहचानते ही तो चले गए थे, उसके फरामोश कर दिए गए थे तब तक। तो बस वो एक रुबाई पेश करके मैं अपनी बात को तमाम करूंगा, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, जो आपने कलेक्ट की थी उस रुबाइयों में से, कि बालाए सभी जिंदों की ताबीरें हैं, और शेर जमीन मुर्दों की जागीरें हैं। ये बड़ा का मुरक्का है आजा सफ़े जमीन, इस पर के दोनों तरफ तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अमल करते हुए बहुत मुख्तसर अपने अफकार से आप नवाजा। से पहला साहब उन्होंने तो पेश कर रहे हैं। और के हमारे शहर के नुमाइंदा और नौजवान शायर जो बेहतरीन और मियारी शेर इस वक्त कह रहे हैं, इस वक्त वो इजाफा कर रहे हैं। अच्छे विचार का मुराद है डॉक्टर नासिर अमीरी साहब से तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामीन को नवा दें। डॉक्टर नासिर अमीरी साहब, मैं उर्दू जबान के तालिब इल्म की हैसियत से अमरोहा फाउंडेशन का समीम कल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू जबान और अदब की एक ऐसी मायर नाज शख्सियत को आज आपने हमारे रूबरू किया और हम उन्हें सुनेंगे कि जिनके बारे में सिर्फ पढ़ते आए थे, देखते आए थे, आज वो हमारे रूबरू हैं, जिसके लिए अमरोहा फाउंडेशन खास तौर पर मुस्तैक है। हमारे 5 अशआर अली की शाह। अर्ज करता हूं, बिसाते फिक्र पे रक्सा मेरे अली का ख्याल, बिसाते फिक्र पे रक्सा मेरे अली का ख्याल, रखे है शादा और फरहा मेरे अली का, बिसाते फिक्र पे रक्सा मेरे अली का ख्याल, रखे है शादाओ परहा मेरे अली का ख्याल, जियाए इल्मो तदब्बुर अता हुई मुझको, जियाए इल्मो तदब्बुर अता हुई मुझको, हुआ जो जहन में मेहमान मेरे अली का ख्याल, जियाए इल्मो तदब्बुर रता हुई मुझको, हुआ जो सहन में मेहमान मेरे अली का ख्याल। और तवज्जो चाहूंगा तालिबेन का शेर, बयाज़े सुबह की शफाफ रोशनी की कसम, बयाज़े सुबह की शफाफ रोशनी की कसम, मेरी शबों में फरोजा मेरे अली का,
बयाज़े सुबह की शफाफ रोशनी की कसम, मेरी शबों में फरोजा मेरे अली का ख्याल, खुदा के शेर की मुश्किल कुशाई तोड़े, खुदा के शेर की मुश्किल कुशाई तो देखो, करे है मुश्किलें आसान मेरे अली का ख्याल, खुदा के शेर की मुश्किल कुशाई तो देखो, करे है मुश्किलें आसान मेरे अली का ख्याल। और पांचवा शेर और मुक्ता, अली की मद्ह तो एजाज है मेरा, अली की मद्ह तो एजाज है मेरा नासिर, मेरी निजात का सहारा, अली की मद्ह तो एजाज है मेरा नासिर, मेरी निजात का सहारा, मेरे अली का ख्याल, मेरी निजात का सहारा, मेरे अली का ख्याल, फिक्र पे रक्सा मेरे अली का ख्याल, रखे है शादाओं पर मेरे अली का। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, मैं उनको पेश करेंगे सिद्धार्थ साहब को, सबको मालूम है तो यहाँ हजरत अली ने बताया इस सिलसिले में बहुत खूबसूरत शार अभी डॉक्टर नासिर साहब पेश कर रहे थे। आजाद मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रोग्राम जो है ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है चैनल थ्रू के जरिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है चैनल थ्रू के जरिए, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अभी डॉक्टर नासिर साहब बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे, मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ अमरोहा की उस अजीम शख्सियत से जिनका ताल्लुक सहाबत से है और एक तवील अरसे तक आलमी सहारा को आप एक्टिव करते रहे और आपके मजामीन बराबर उर्दू अखबार में शाया होते रहते हैं, बेहतरीन साहब भी सीनियर साहब भी जनाब सिराज नकवी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तो तशरीफ लाएं और मेरी दरख्वास्त पर अमल करते हुए अपने अफकार से नवाजें जनाब सिराज नकवी साहब। देखिए सिराज साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं ये बता दूं कि कोरोना काल में जिन संस्थाओं ने बेहतरीन काम अंजाम दिया, लोगों की खिदमत की, उनको यहाँ अमरोहा फाउंडेशन अवार्ड करेगा और आइडियल यूथ के सिलसिले में भी अमरोहा फाउंडेशन अवार्ड करेगा। मैं सिराज नकवी साहब से बता दूंगा, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये इतराफ कर लू कि मेरा डिक्शन बहुत कमजोर है और मेरी लफ्जियात का दायरा भी बहुत महदूद है, जबकि अपने साहब के कारनामों का दायरा है बहुत वसी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है ये कि मैं इनकी हिदायत पर अमल भी करूं और तारुफ भी करा दूं। मैं वो तारुफ नहीं कराऊंगा, मैं छोटे से वाक्य पे जिक्र रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से मेरी वाबस्तगी के दौरान मेरा सबक वजीर आजम इंद्र कुमार बिडराल के पास हर 15 दिन के बाद जाना होता। वजह यह थी कि वो हमारे अखबार के लिए एक मजमून की रिकॉर्डिंग कराते थे और वो जिम्मेदारियां मेरे पास थी। बहरहाल मैं एक दिन उनके पास गया तो फरमाया उन्होंने कि मैं आपको कैसी किताब दिखाता हूँ
जिससे आपको लगेगा फख्र होगा कि उर्दू में ऐसी किताबें भी शाया होती है। उठे और सामने की उसमें से किताब उठा के लाए और वो अपनी साथी किताब की गालिबन मीर अनीस के फरासी को इंग्लिश में और उर्दू में तशरीह और बहुत बहुत शानदार शानदार किताब थी। वाकई में मुझे फख्र का एहसास हुआ कि उर्दू में इतनी उमदा इतनी मियारी किताबें भी शाया हो सकती है। ये मेरा पहला तारुफ इल्मी और अदबी है। हालांकि राष्ट्रमंडल मेरी तबियत सबसे ज्यादा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उनके इल्मी और अदबी कारनामों से ये मेरा ऐसा तारुफ था जिसे मैं उनका नक्श अव्वल कहूँगा। इस तरह से नक्श अव्वल आज तक मेरे दिल में उसके इजाफा हुआ कोई कमी नहीं है। और उसके बाद फिर उनकी मुख्तलिफ किताबों के खबरें हमारे अखबार में शाया होती रही और गालिबन 50 से ज्यादा किताबें 52 शायद किताबें उनकी किताबों का सिलसिला चलता रहा। तो इतनी तबील फहरिस्त किताबों से मुतालिक हो और इतने अजीम इल्मी कारनामे इतना बड़ा दायरा बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नकवी साहब, आपने मेरी अपील पर अमल करते हुए आदि साहब के सिलसिले में पेश किए, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अब मैं एक और टीवी अदबी और मजहबी खानवादी की नौजवान शख्सियत जिनके बारे में अमरवा के उस्ताद शोरा में बेशुमार होगा और खुद शेरवान कादरी साहब बेहतरीन शेर कहते हैं, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, न्यारी शेर कहते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ शेरवान कादरी साहब से तो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आप हजरात को नवाजें। शेरवान खान अमरोहा फाउंडेशन के जहर तमाम आज की ये खूबसूरत महफिल आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत तकी आब्दी साहब के एजाज में मुनाकिद की जा रही है। अमरोहा फाउंडेशन अरसे दराज से जमीनी सतह के प्रोग्रामों से ज्यादा आया है और ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए। तकी आब्दी साहब से ऑनलाइन भी काफी प्रोग्राम्स में मुलाकात हुई और उनकी तबीयत की खाकसारी और इंतजारी यह है कि चार चार घंटे के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप तशरीफ फरमा रहे हैं और यकीनी तौर पर जमीनी सतह के प्रोग्राम में हम काफी देर बैठ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम कभी कभी हमें हमारे जहन को हमारे दिल को बोझल से कर देते हैं। लेकिन ये उनकी तबीयत की खाकसारी इनके सारी उर्दू नवाजी है कि आपकी सरपरस्ती अमरोहा फाउंडेशन को और उर्दू के प्रोग्राम को मिलती है। चार विषय खाकसार की कोशिश आपकी समातों के हवाले और अहले इल्म दानिश और असातिज़ा फ़न यहाँ पर मौजूद हैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि इन्हीं की ज़ात में रहती है देर तक गुमसुम, इन्हीं की ज़ात में रहती है देर तक गुमसुम, पलट के आए तो फिर वो नजर नहीं रहती, इन्हीं की जात में रहती है देर तक गुमसुम, पलट के आए तो फिर वो नजर नहीं रहती। एक ऐसा शहर तकी आब्दी में है शैबान, एक ऐसा शहर तकी आब्दी में है शैबान, मिले जो इनसे तो अपनी खबर नहीं रहती, मिले जो इनसे तो अपनी खबर नहीं रहती। बहुत कम वक्त लूंगा, बड़ी अच्छी समाते हैं। एक मनकबत के चंद शेर पढ़ के इजाजत,
हजरत जैनब के हवाले से हमें वक्त आप तक पहुंचाना है। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, मुलायजा फरमाइएगा। बड़े अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हर शख्स अपने आप में इदारा है, ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मुलायजा फरमाइएगा कि हदफ जिसका है पहलू सितम वो तीर है जैनब। उलमा हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। हदफ जिसका है पहलू सितम वो तीर है जैनब और यजीदी फिक्र के सरकाटी शमशीर है जैनब। हदफ जिसका है पहलू सितम वो तीर है जैनब। हदफ जिसका है पहलू सितम वो तीर है जैनब। यजीदी फिक्र के सरकाटी शमशीर है जैनब। और शेर एक मतला और के कोई कहता है हरफे दर्द की तफसीर है जैनब। कोई कहता है हरफे दर्द की तफसीर है जैनब। कोई कहता है शरह आया तकदीर है जैनब। कोई कहता है शरह आया तकदीर है जैनब। और एक मतला और हिफाजत कीजिएगा कि जहां में पासबाने मकसद शब्बीर है जैनब। जहां में पासबाने मकसद शब्बीर है जैनब। अजादारो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है जैनब। अजादारो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है जैनब। अजादारो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है जैनब। और यहां करनी पड़ेगी यूं ही कस्बे नूर की बातें। यहां करनी पड़ेगी यूं भी कस्बे नूर की बातें। खुद अपनी जात में मुस्तकिल तनवीर है जैनब। खुद अपनी जात में एक मुस्तकिल तनवीर है जैनब। खुद अपनी जात में एक मुस्तकिल तनवीर है जैनब। और शेर छोड़ता हुआ पहुंचता हूं, एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। लिहाजा फरमाइएगा कि अहले में दानिश और बहुत सारे शोरा हजरात के बैठे हुए हैं। से होता हुआ कि तमन्नाए जियारत ये भी अब कहने नहीं देती। मिसरे की हिफाजत के तमन्नाए जियारत ये भी अब कहने नहीं देती। हमारे पांव में हालात की जंजीर है जैनब। तमन्नाए जियारत ये भी अब कहने नहीं देती। बहुत शुक्रिया। मौलाना सियादत साहब की दाद मेरे लिए सनद की हैसियत रखती है। तमन्नाए जियारत ये भी अब कहने नहीं देती। हमारे पांव में हालात की जंजीर है जैनब। पर अता शैबान को भी इसकी थोड़ी सी रवानी हो। अता शैबान को भी इसकी थोड़ी सी रवानी, उसकी थोड़ी सी रवानी हो। तेरे लफ्जों में जो बहती हुई तासीर है जैनब। तेरे लफ्जों में जो बहती हुई तासीर है जैनब। और तमन्नाए जियारत ये भी अब कहने नहीं देती। हमारे पांव में हालात की बहुत बहुत शुक्रिया हैं। बहुत ही खूबसूरत और उन्होंने पेश किया। हमारी महफिल में हजरत मौलाना पैगंबर अब्बास साहब और हजरत मौलाना हसन इमाम साहब आपकी क्या तशरीफ फरमा है, हम उनका फाउंडेशन की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, न्यारी प्रोग्राम अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से दुनिया का एक मदद की अजीब शख्सियत तकी साहब के इस्तकबाल में
मुनाकिद किया गया है। ये प्रोग्राम चैनल टू के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चैनल टू भी अमरोहा फाउंडेशन के जरिए तमाम चल रहा है और इसमें आज का जो प्रोग्राम है इसमें फखरे अमरोहा अवार्ड जिन शख्सियात को दिया जाएगा वो बहुत खूबसूरत किया गया है अमरोहा फाउंडेशन का। वाकई में आज असलियत में जो प्रोग्राम दिया जा रहा है ये शख्सियात वाकई में फखरे अमरोहा हैं, गौरव अमरोहा का, इनको ये अवार्ड आज दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर जमशेद कमाल साहब, डॉक्टर दीप गोयल साहब और मैं देखा डॉक्टर दीप साहब को हमारे सामने वो उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, नौजवान थे और मैं देख रहा हूँ कि उनके भाई भी सफेद हो गए हैं। वो पूरा खानदान के लिए फख्र है, अपनी पूरी पूरा परिवार अमरोहा के लिए फख्र है और डॉक्टर जमशेद कमाल साहब की शख्सियत से हम सभी लोग वाकिफ हैं, वो मोहताज दारू नहीं है। और महबूब सैदी साहब जो एक कारोबारी खानवादे से जिनका ताल्लुक है और जिनके वालिद मोहतरम ने एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया और वो खुद भी एक अदबी और इल्मी शख्सियत के मालिक हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से। और आइडियल ऑफ यूथ अवार्ड भी दिया जाएगा डॉक्टर शामी साकिब साहब जो हमारे नौजवान हैं, निजामुद्दीन दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। जुहैब खान जो अच्छे बहुत उमदा आर्टिस्ट हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। इंशाल्लाह जल्द ही ये अवार्ड दिए जाएंगे। मैं डॉक्टर साकिब साहब को देख रहा हूँ कि थोड़ा वो महसूस कर रहे हैं प्रोग्राम में कुछ, तो वह जल्दी ही ये अवार्ड पेश किए जाएंगे सबको। अब मैं बुला रहा हूँ मुकर्रमीन हजरात की फहरिस्त में हमारे शहर के सीनियर उस्ताद शायर जनाब शान हैदर साहब के बाप को, जो समाजी शख्सियत भी हैं, अमरोहा की बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमेशा से वो समाजियात में आगे बढ़कर काम करते रहे, अदबी काम अंजाम देते रहे। मुराद का प्रश्न जनाब शान हैदर साहब से है तो तशरीफ लाए और मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर तकी आफरी साहब, जनाब हसन शुजा साहब, जनाब कौसर अली अब्बासी साहब, जनाब मौलाना शहबाज हुसैन साहब और तमाम मुअज्जज़ व मोहतरम सामईन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा तअख़ीर से आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं रीडिंग क्या कर कह चुके हैं, बारह लगा रिपीटेशन हो तो माफ करवाइएगा। मुझे सिर्फ ये अर्ज करना है कि डॉक्टर तकी आफरी साहब की ज़ाते गिरामी मोहताज की तारुफ कम अज कम अदबी हल्कों में तो नहीं है, इसलिए जरूरत है कि जो सामाई अदबी महफिलों में नहीं शरीक होते या फेसबुक और यूट्यूब नहीं इस्तेमाल करते उनके लिए थोड़ा सा तारुफ के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर तकी आफरी साहब की ज़ाते गिरामी बहुत अहम है अदब के सिलसिले में भी। वो एक माहिर डॉक्टर और काबिल डॉक्टर हैं, साथ ही उर्दू अदब में बड़ी कद्दावर शख्सियत हैं। बुनियादी तौर पर वो शायर हैं और कोई सिंफ सुखन ऐसी नहीं है जिसमें उनका कलाम न मिलता हो। न
मुलाकात रूबरू सिर्फ एक बार हुई है मेरी दूर से, लेकिन फेसबुक पर मुस्तकिल के कलाम को देखता रहता हूँ, उनसे मुलाकात रहती है और उनको जो मैं कमेंट करता हूँ उसका जवाब देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो बेहतरीन शायर है, नात हो, मनकबत हो, ईसाई अरब हो और दीगर सब, ये यूट्यूब पर उनका कलाम मौजूद है और फेसबुक पर भी वो बराबर पहुंचता रहता है। आप तनकीद, तबसरा, तहकीकी मजामीन और तदवीन के मैदान में शाहवार हैं। गालिब हूँ, इकबाल हूँ, फैज हूँ, अनीस हूँ, दबीर हूँ, हाजी हूँ और इसे अभी के दूसरे पचावन चौरा इसी को और उनके कारनामा को उनके कारनामे हैं जो उन्होंने बड़ी काबिश से पेश किए हैं और ये कारनामे बराबर जारी सारी दी है। तकी आदमी साहब ने अभी एक किताब छपी है आपकी जनाब तराह गोरखपुरी के सिलसिले में और बहुत कारामद किताब है और वो काफी उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, बराबर मैं देख रहा हूँ और कुलियात के तराह गोरखपुरी और उनकी हयात करूंगा। आपकी तकलीफात से और तसनीफात से तुलबा और शायद मेरे अदब इस्तफादा हासिल करते रहते हैं। अदब के सिलसिले में उनके काराहाए नुमाया अंजाम उन्होंने जो दिए हैं वो जारी और सारी भी हैं। ताकि आदमी साहब अदबी विरासतों को आइंदा नस्लों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यकीनन ये लायक सब आफरीन है, तहसीन है। मैं गलत नोट न लेते हुए अपनी बात को अपने ही एक शेर पर खत्म कर रहा हूं कि गुल चमन में कोई मिला ही नहीं, गुल चमन में कोई मिला ही नहीं जिससे इनका मुकाबला करते, गुल चमन में कोई मिला ही नहीं जिससे इनका मुकाबला करते। मौलाना हसन इमाम माफी साहब मेरे ख्याल से तशरीफ ले जा रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और अब मैं दरखास्त करने जा रहा हूँ अमरोहा के नुमाइंदा मोहतबर और मियारी शायर बेहतरीन नासिम जनाब डॉक्टर लाठी रहवर साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से आप जात करवा दें। डॉक्टर लाठी रहवर बहुत इंतजार के साथ नात के चंद अशार तकियाती साहब का इस्तेमाल अमरोहा में इससे पहले भी किया जा रहा आज भी इस्तेमाल चंद शेर समाप्त कर लें। पता यूं है कि कोई काम ले ले ऐ मुसलमान ईद मेदार से, काम ले ले ऐ मुसलमान ईद मेदार से,
रब पैदा कर जनाबे हमारे मुख्तार से, रब पैदा कर जनाबे हमारे मुख्तार से, ये सरासर है गलत उस तेरी दरबार से, ये सरासर है गलत खुशत मिली दरबार से, कीने हम फैला जहां ने अलमदे किरदार से, कीने हम फैला जहां ने अलमदे किरदार से, गैर को अपना बनाओ जज्बे इंसान से, गैर को अपना बनाओ जज्बे इंसान से, ये सबक हमको मिला है हमारे मुख्तार से, ये सबक हमको मिला है हमारे मुख्तार से, ये शेर ने कहा था कि जेरे पाए मुस्तफा है रिफते अर्शे भरी, जेरे पाए मुस्तफा है रिफते अर्शे भरी, एक है हरे बुलंदी अलमदे सरकार से, एक है हरे बुलंदी अलमदे सरकार से, ये शेर खास तौर से कह रहा हूं कि कोई पैमाना नहीं है कैसे अंदाजा करें, कोई पैमाना नहीं है कैसे अंदाजा करें, वो गए अर्शे भरी पर कौन सी रफ्तार से, वो गए अर्शे भरी पर कौन सी रफ्तार से, कोई पैमाना नहीं है कैसे अंदाजा करें, वो गए अर्शे भरी पर कौन सी रफ्तार से, शेर ने कहा कि सर बुलंदी के लिए चूमो नबी के नक्शे पा, सर बुलंदी के लिए चूमो नबी के नक्शे पा, अजमते दिल की नहीं है दिरहमो दीनार से, अजमते दिल की नहीं है दिरहमो दीनार से, आखिरी शेर नुक्ते के तौर पर कि शौक से अजरे रिसालत कीजिए रहबर अदा, शौक से अजरे रिसालत कीजिए रहबर अदा, है मवद्दत शर्त लेकिन हिजरत अखार से, है मवद्दत शर्त लेकिन हिजरत अखार से, अल्लाह करीम ये मौका मिला है कि आपके साथ के साथ में ये शेर पढ़े, मैं चाहता ये हूँ कि अपनी दो तसनीफ उनके पेश करूँ, एक गजल की तस्दीक हरी भी पी रही और दूसरी नुकोशे लगी सर, अपनी दोनों किताबें पेश कर रहे हैं ताकि आपके साथ हो डॉक्टर लाडले रेहबर साहब, भाई जरा ले लियो, आज के हमारे मेहमान जनाब शानदार शेख नकवी जो प्रेस से तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शानदार शेख नकवी कोई भी नहीं है, बड़ा कारोबार कर रहे हैं और बड़े कारनामे शानदार साहब अंजाम देते हैं। शानदार शेख नकवी उनकी जदोजहद रहती है कि वो कुछ कहें और करते रहे और कर रहे हैं। हम शानदार साहब का अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। मैं दरखास्तगार हूँ उस शख्सियत के हुजूर जो बेहतरीन नाज़िम भी है, मोतबर और मियारी शायर भी हैं, जिनकी काफी किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, उर्दू अदब के खिदमत खतरा अंजाम दे रहे हैं। मैं बड़े अदब से दरखास्तगार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नाशिद अपनी साहब की खिदमत में तो तशरीफ लाए और अपने अफकार से आप हजरात को नवाजे डॉक्टर नाशिद नकवी से। सदर आलिया कदर मेरा माना प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियादर साहब, डॉक्टर तकी आती साहब, तमाम दाइश पर मेहमान और सामयीन मेहमान, मैं तकी आबदी साहब एक अदीब है, शायर है, ये गुफ्तगू तो हुई नहीं है। तकी आबदी साहब के लिए मुख्तसर ये कहूंगा, वो अपनी साथ पे कब्रिस्तान है, वो एक कब्रिस्तान है और एक ऐसा कब्रिस्तान
कि जो हिंदुस्तान की शान को सात समंदर पार भी उर्दू जुबान व अदब के हवाले से पूरे अमेरिका और पूरे कनाडा में उर्दू के सफीर की हैसियत से बहुत बड़ा इनका बन जाते हैं। मैं अमरोहा की सरजमीन पर हजरत शाह विलायत की सरजमीन पर रसाई अदब में हमारे शुमाली हिंदुस्तान के पहले शायर इस्माइल अमरोही की सरजमीन पर, तबिस्तान शमीम नसीम की सरजमीन पर और मीर तकी मीर के उस्ताद सादत अमरोही की सरजमीन पर, मुसफी जिसने उर्दू का नाम उर्दू दिया उसकी सरजमीन पर तकी आबदी साहब का इस्तकबाल। ये वो सरजमीन कि जिसने हर अहद में दबिस्तानी लखनऊ हो या दबिस्तानी दिल्ली, दोनों दबिस्तानों की सरपरस्ती की। हमें फख्र है कि उर्दू अदब में सबसे ज्यादा शागिर्द मुसफी के हुए और ये मुसफी की सरजमीन। जहां तक तकियाबी साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, अभी सिराज साहब कह रहे थे तकरीबन 50 से ज्यादा किताबें, 52 किताबें, लेकिन आम तौर पर जो किताबें होती हैं 100 और 150 सफे की, 200 सफे की, तकियाबी साहब की आम तौर पर किताबें 500 सफे की, 1400 सफे की, 1000 सफे की, तो अगर इसी इतबार से देखा जाए तो कितनी किताबें हो सकती हैं उनका कोई शुमार नहीं। बतौर खास उन्होंने जिस तरह से रसाई अदब ने काम किया, जिस तरह से अनीस व तकीर की रुबाइयात पर काम किया, मरासिम पर काम किया, जिस तरह फैज फैजी के लिए उन्होंने काम किया, फैज अहमद फैज पर बहुत काम हुआ है, लेकिन जो काम तकी भाई ने किया है फैज पर, इतना अजीम काम है और इतना सखीम काम है कि उस पर ही कई पीएचडी हो सकती हैं और हुई है। अभी कनाडा से जब ये तशरीफ लाए और हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर ने इन्हें रोक लिया, वहां से तकलीर करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी से होते हुए जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इनको भी छोड़ा, वहां से फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट में रहे। मुस्तकिल सफर है अदब का और अब ये अपने अपने अहदाब की वतन की खुशबू के खातिर इस वक्त अमरोहा में है, नौगावा जाना है और फिर इन्होंने हिंदुस्तान में नौगावा से लेके पूरे साउथ में दक्कन में जिस तरह से अदब के चराग रोशन किए और कर रहे हैं, मैं इनके तमाम इनका कोई काम ही नहीं होता, कारनामा होता है और इनके कारनामों को सर इनकी किताबें अपनी जगह, लेकिन इनके मकाले, इनकी तकारीर, इनके खुतबात, ऐसे ऐसे खुतबात, मैं इनके साथ बहुत कई सेमिनारों में शामिल रहा हूँ, मेरे कर्म फरमा हम अपने बुजुर्ग की तरफ से इनको दुआ देते हैं और इनकी आमद पर हम फख्र महसूस करते हैं। आज इन्होंने हमारी इस तकरीब को इज्जत बख्शी। मैं फरमान हैदर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से उन्होंने एक ऐसी अजीम तरीन, एक ऐसी तारीख साफ हस्ती को अमरोहा में दावत दी कि जिसके चराग न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया अदब है। इन्होंने जुबान व अदब के लिए भी बड़ा काम किया, लिसानियात के भी माहिर हैं, अदब के भी माहिर हैं, मुआलिजे जिस्म ही नहीं है, मुआलिजे अदब है। मैं रफी भाई आपका इस्तकबाल करता हूँ और इस वक्त आप जिस महल में हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर, यहाँ कमाल अमरोही का घर भी है, रईस अमरोही का घर भी है, जॉन एलिया का घर भी है, और मैं समझता हूँ कि इन तमाम अमरोहा के बुजुर्गों की रूहें आपको दुआएं दे रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमरोहा जैसे साहब को पेश कर रहे हैं, सत्य हैदर साहब
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नाशिर नकवी साहब, बड़े खूबसूरत और नबेल अल्फाज, बेहतरीन अदबी अल्फाज से आप इस्तेमाल कर रहे थे। मोहतरम मुंतकी आदमी साहब का आपने मेरी दरख्वास्त पर अपील की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अमरोहा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट से, पहले तो मैं अपना बात साथ में यहाँ रहमत दूँ, मैं अमरोहा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फरमान अहमद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वहाँ आए और अपने ख्याल आप हजरात के सामने पेश करें। जनाब फरमान अहमद साहब। आज हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं कि जो अपने आप में खुद मुकम्मल एक प्रोग्राम है। हमारे जो तीन अवार्डी फख्र अमरोहा अवार्ड जिन्हें हम दे रहे हैं, वो हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो उनकी खिदमत, चाहे उसमें जमशेद कमाल साहब हो जिन्होंने हाई वेंडर कॉलेज बनाया, चाहे उसमें डॉक्टर दीप गोयल हो जिन्होंने गंगाराम को गंगाराम बनाया और अब अमरोहा में उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोलाया और ये अमरोहा की खिदमत करने के लिए अब यहाँ पर आए। और हमारे महबूब साहब जिन्होंने अभी कोरोना में काफी लोगों की मदद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर की और वैसे भी उन्होंने काफी जो खिदमत है ये करते रहते हैं। हमने अमरोहा फाउंडेशन के बैनर से हम प्रोग्राम की अलग अलग होती है हमारे तो अमरोहा अवार्ड और जब वो करते हैं, मगर क्योंकि कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाए थे और हमारे जो लोग थे हमारे गेस्ट थे उनको हम बार बार उनसे ये था कि आपको देंगे मगर हम प्रोग्राम कर नहीं पा रहे थे। बीच में हमने सोचा था कि देखिए बताइए, उसमें हमारे साथ डॉक्टर सादिक नकवी है निजामुद्दीन में, ये लॉस लोगों की खिदमत करते हैं और जिस उम्र में है ये इनके पापा भी ऐसे ही करते हैं और इन्होंने भी उसी रविश पर चल रहे हैं उसमें और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बाकी निजामुद्दीन में आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए, गलियों में बैठे हैं जबकि मगर वहाँ किसी से भी पूछ लीजिए डॉक्टर सादिक की दुकान का तो आपको दुकान तक छोड़ गया है। डॉक्टर सादिक ने अपना नाम अपना कमा रखा है उनकी खिदमत करके। हमारे साथ जुहैब खान है, मतलब जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं 6 साल की उम्र से पेंटिंग बना और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है, उसमें चाहे वो विपिन रावत की हो या जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनकी हो, इन सब लोगों की उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाई है। हमारी एक बदकिस्मत है क्योंकि हमारे जो एक कमांड थे नितिन आर्य, उनको मेरे ख्याल में तबियत खराब हो गई कुछ ज्यादा, वो एडमिट है और वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए तो उनकी जगह कोई और उठा हुआ है। इसके अलावा हमने जो 7 अवार्ड रखे हैं वो जिन एनजीओ ने जो अमरोहा में कोरोना के टाइम पे या अभी भी जैसे फ्रेंड्स क्लब को मैं जानता हूँ मुसलसल लोगों की खिदमत में लगा हुआ है, पर फाउंडेशन है जो लोगों को कहीं भी अगर फोन की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग फोन लोगों को प्रोवाइड करती है और ये उनकी बड़ी बात है। इसीलिए लोग रजाकारान हुसैनी और मुस्लिम कमेटी, तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनका तो कुछ कहने के लिए, मगर ये जो छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं सेवा भारती है या हमारे एक एनजीओ दूसरी उसका मुझे नाम नहीं मालूम, मगर उन लोगों ये जो नए नए लोग जो है जो इनको बड़ों को देख के आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए ये कदम उठाया। हम अवार्ड अगर थोड़ा सा बीच में फखरे अमरोहा अवार्ड और आइडियल ऑफ यूथ अवार्ड हम अभी देंगे और जो हमारे एनजीओ के अवार्ड है वो तकी आपकी साहब की तकरीर के बाद होंगे, तो क्योंकि अगर लोग बहुत से जाने लगते तो थोड़ा सा पब्लिक को तकी आपकी साहब की तकरीर ऐसी तकरीर होगी कि जिसे सुनना मैं कहता हूँ अमरोहा के नौजवानों की खुश नसीब भी है कि तकी आपकी साहब आपसे ऊपर को बोले। तकी आपकी साहब की जब बात करते हैं तो बात करने में मतलब लगते ही नहीं कि कितना टाइम बोल दिए और जो बोलते हैं जिस मैटर पे बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जितने भी स्पीकर थे जनाब डॉक्टर अलीगढ़ से बेचारे हमारे साथ हमारे लिए स्पेशल अलीगढ़ से आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और अपने कमाल भाई से गुजारिश करूंगा। शानदार भाई एक्चुअली आना तो इन्हें नहीं था मगर हमारे प्रोग्राम की वजह से
ये आज ही आए हैं और ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि हमारे जो छह लोग हमारे जो है हमारे पैटर्न है, इसमें जनाब नैयर अली साहब है ये आई आर एस है, जनाब नाजिर अली साहब है ये आई आर एस है, जनाब सुहैब नानी ये हमारे नौजवान है और ये इंसान बहुत अच्छे मतलब मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और मैं उम्मीद ही रखता हूँ कि आप हमारे बीच में सामाजिक और सियासी शख्सियत एक तवील अरसे से सियासत में और सामाजिक कामों में बहुत ही और जो हमारे यहाँ पत्रकार वगैरह मौजूद हैं उनको भी फाउंडेशन अवार्ड करेगी, उनसे भी दरखास्त है कि भी यहाँ मौजूद रहे तशरीफ रखें। नजर अब्बास सदरे महफिल और इस खूबसूरत और मुरस्ता बज़्म के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर तबी आदरी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, हसन शुजा साहब अवाम हिंद और सहाफत के लीडर मौलाना शहबाज नकवी साहब और कौसर अली अब्बासी साहब, नाशिद नकवी साहब, तमाम मोजिस दोस्ताराने अदब आशिकाने जुबान अमरोहा के मशाहिर, सलाम अलैकुम। मैं मुख्तसरन अपनी बात कहूँगा, मैं तो हकीकत से डॉक्टर तकी आबरी साहब के इस्तकबाल के लिए आया, क्योंकि ये मौके आसानी से हाथ नहीं आते। इतनी बड़ी शख्सियत कि जिसने इस जमाने में कि जब अदब की शमा मध्यम हो रही है तो आप फानूस बनकर उस पर आ गए, और अदब की मुस्तकबिल को महफूज करने का आपने कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं, जिनको तारीख के उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकती, और आप तारीख का वो जदी बाब हो गए अपनी हयात में ही कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अदब हो शायरी हो, ये जहां शौक की हैसियत रखते हैं वहीं इसके साथ साथ ये पेशे की भी हैसियत रखते हैं। आप इतनी अजमतों के बाद तकी आबरी साहब अदब पर अपनी जेब खास से खर्च करते हैं, कभी अदब को कोई कमाने का रास्ता ना बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने 70 किताबें तहरीर कर दी जिसमें मशाहिर उर्दू पर, शोरा पर, अदीबों पर, सर सैयद से लेकर इकबालियात पर, गालिब पर कोई बुरे नहीं हुए। और अगर कुछ बचा है तो मोदी आदमी पूरा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के जरिए से पूरा। ये हम सबके नौगामे की सरजमीन से निकला हुआ ये जर्रा आसमान अदब का आफ्ताब और महताब बन गया, और ये सरजमीन अमरोहा की
ये अपने आप में खुद एक गहवारा इल्म अदब थी है और इंशाल्लाह रहेगी। और उर्दू अदब से लेकर तमाम मैदानों में जो गाथाएं गवाया यहाँ के अफराद ने जान दिए हैं वो सुनहरे बात है जिनका जिक्र तमाम दुनिया में होता रहे। हमें खुशी है, मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छोटा सा तालिब इल्म, मैं अदब नवाज हूँ, न मैं अदीब हूँ न मैं शायर हूँ। इस मौजू पर बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरे पास जो भी अल्फाज हैं अकीदत के लिए वो हाजिर हैं। और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मुझे खुशी है इस बात की, और जो मेरे दौर के तलबा और साथी या कुछ मौजूद हैं कुछ नहीं मौजूद हैं, कि मैंने अमरोहा के नाम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलंद करने का काम किया। कोई कहीं पर कोई आपको शर्मिंदगी किसी को नहीं हो सकती। नजर अब्बास का जिक्र वहां करेंगे तो आप इस सामने इज्जत से जिक्र करेगा जवाब देगा। मैं तकी आपकी साहब के बारे में तमाम रात बोलूं तो भी हक़ मोहब्बत और अकीदत अदा नहीं हो सकता। तकी आपकी साहब मुस्तकिल सफर में और एक अलग पेशे से वाबस्ता होने के बाद अदब की दुनिया में जो काम कर रहे हैं उसकी हमें कदर मंजिलत करनी चाहिए। और देखिए एक बात और बताता हूं कि दुनिया में ये बात ठीक है कि जहालत अनगिनत बीमारियों की बुनियाद है। जहालत आतंकवाद से लेकर जराइम की दुनिया तक में बड़ा किरदार अदा करती है। इल्म हमें इन बुराइयों से बचाता है, लेकिन इल्म अगर अदब के साथ ना हो तो वो भी बेकार होता है। एक अदीब एक शायर, मैं आपको बताऊं इतने बड़े बड़े शोरा इतने बड़े बड़े अदीब हमारे तारीख उर्दू जबान में हैं मौजूद हैं और जो गुजर गए, उनके किसी अदीब और किसी शायर के साथ किसी जुर्म का कोई भी शायबा या कोई इल्जाम उनके दामन पर नहीं दिखाई देता। अदब जुल्म से बचाता है, सितम से रोकता है, इंसान को नरम दिल बनाता है, जीने का सलीका बताता है, कमजोरों का साथ देने का तरीका सिखाता है, मजलूमों की हिमायत में खड़ा होना बताता है। एक शायर एक अदीब जिस तरह जुल्म का मुकाबला करता है, इस तरह कोई दूसरे पेशे से जुड़ा हुआ इंसान मजालिम का मुकाबला नहीं करता है। आज हम तक जो कुछ भी करबला पहुंची है उसमें अदीबों का शोरा का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमारे एहसासात को जगाने और बेदार करने का काम किया, वरना उसमें पसमर्दगी छाई हुई होती। इर्तिफाए अदब की आंधियां जब चली तो उसमें शोरा का और अदीबों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मैं आप सबका इस एक कते के साथ साहिब को ध्यान दीजिए और एक शेर मैं आपके सामने पेश करती हूँ, इजाजत चाहूंगा शहरयार साहब। ये इसलिए ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बेरब्त है, लेकिन मैं ये आपके जो मैंने बात कही है उस पर तनाजुर भी कह रहा हूँ। साहिब लुधियानवी ने अपने कते में कहा कि फौज हक को कुचल नहीं सकती, फौज हक को कुचल नहीं सकती और चाहे किसी के जीत की, और लाश उठती है फिर अलम बनकर, लाश उठती है फिर अलम बनकर, लाश चाहे किसी से जीत की। और आज के हालात के ऐन मुताबिक शहरयार साहब ने एक शेर कहा मुझसे, नवाब रज़ाकी खान साहब अलीगढ़ में राजा पंडरावर, वो बोले कि शहरयार साहब ने करबला के ताल्लुक से कोई बात अपनी शायरी में नहीं कि मैं नहीं कहा, उन्होंने एक शेर कहा लेकिन वो दीवानों पर भारी। आज के दौर के तनाजों में उस शेर को मुलाजा फरमाए कि गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से,
हम में से मगर कोई भी निकला नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आप अचानक ये हमारी खुश नसीबी कि आप आए तो हमने आपका मोमेंटो नहीं बनवाया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मोहतरम अब्बास साहब बड़ी अदबी और इल्मी तकरीर से हम लोग बात रहे थे। मैं अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से उनको इस्तकबाल करता हूँ और सिद्दे हैदर साहब से दरख्वास्त करता हूँ शाओल करके उनका इस्तकबाल करें नजर अब्बास साहब का। सिद्दे हैदर साहब प्रेसिडेंट अमरोहा फाउंडेशन ने इस्तकबाल किया नजर अब्बास साहब अदान ग्रामी फखरे अमरोहा एवार्ड जिन शख्सियात को दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले मैं उस अजीम शख्सियत को जिसने अमरोहा का नाम रोशन किया और सर गंगाराम हॉस्पिटल को जैसा कि कहा गया कि सर गंगाराम हॉस्पिटल को गंगाराम हॉस्पिटल बनाया और हमें खुशी यह है कि वो अमरोहा में भी अब खिदमत करने जा रहे हैं। बेहतरीन खान मादे से जिनका ताल्लुक है, आपके दादा बहुत बड़े डॉक्टर, आपके वालिद बहुत बड़े डॉक्टर है डॉक्टर दीप गुजर तशरीफ लाए और फखरे अमरोहा अवार्ड ले डॉक्टर दीप गुजर। आज अमरोहा फाउंडेशन हक अदा कर रही है वो ऐसे हजरात को अवार्डेड कर रही है कि जो वाकई में अवार्ड के काबिल हैं और जिनकी शख्सियात हमारे लिए फख्र हैं, इस शहर के लिए फख्र हैं। डॉक्टर दीप गोयल साहब को फख्र अमरोहा अवार्ड दिया जा रहा है अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से। तकियादी आप भी साहब के दस्ते मुबारक से और हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सियादत साहब क़िबला इमाम जुमा वाली जमात अमरोहा डॉक्टर शहबाज हुसैन साहब क़िबला और हसन शुजा साहब और सर अब्बासी साहब इकबाल हैदर साहब ये अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर दीप गोयल को। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से और इस शहर की तरफ से। अब इसके बाद मैं बुला रहा हूँ उस शख्सियत को जो एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, सामाजिक शख्सियत और अदबी शख्सियत, इल्मी शख्सियत जनाब सैयद महबूब हुसैन साहब सैदी को के वो तशरीफ लाएँ और फखरे अमरोहा अवार्ड उनको पेश करें। जनाब तकी अब्दी साहब सैयद महबूब हुसैन साहब सैदी जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, फखरे अमरोहा अवार्ड उनको दिया जा रहा है, वो इसके काबिल हैं और अमरोहा फाउंडेशन ने अच्छा फैसला किया इस अवार्ड के लिए। अब मैं अमरोहा की उस नौजवान शख्सियत को यहाँ दावत दूंगा, जहमत दूंगा कि जिन्होंने एजुकेशन के मैदान में, अदब के मैदान में बहुत कम टाइम में अपना जो मैं कहूँ मेरे जहन में वो लफ्ज नहीं आ रहा, योगदान दिया है और इमाम मदारिस इंटर कॉलेज अमरोहा के प्रिंसिपल की हैसियत से उन्होंने कॉलेज को जिस अजमत पर पहुंचाया है वो काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले तहसीन हैं, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन शेर कहते हैं, सब खामोश शेर कहते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर जमशेद कमाल साहब से वो तशरीफ लाए और फखरे अमरोहा अवार्ड में डॉक्टर जमशेद कमाल साहब नौजवान शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत, अमरोहा की हर दिल अजीज शख्सियत,
नाकई में फखर अगर हैं उनको तकियाती साहब के दस्ते मुबारक से और हमारे मेहमान के दस्ते मुबारक से अवार्ड दिया जा रहा है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं अपने शहर की जानिब से। जनाब सैयद शानदार हुसैन साहब जो पहली बार हम लोग फाउंडेशन के प्रोग्राम में कुवैत से तशरीफ लाए हैं, जनाब सैयद शानदार हुसैन साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं अभी याद अच्छी फरमा दे। जनाब शानदार हुसैन साहब जो वाकई में फख्र अमरोहा हैं और कुवैत में इस वक्त बहुत बड़ा कारोबार उनका चल रहा है, अमरोहा फाउंडेशन के बुलावे पर फरमाने साहब के अपील पर वो कुवैत से तशरीफ लाए हैं। बड़े काम उन्होंने अंजाम दिए हैं। एक अजा खाना जो मोहल्ला छेवड़ा पर बनाया गया वो उन्हीं की जाती शख्सियत से वो अजा खाना तामीर हुआ और इसके अलावा बहुत खामोशी के साथ वो लोगों की मदद करते हैं इन मैदान में और काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है शानदार हुसैन साहब की शख्सियत। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तशरीफ लिया है उनको अमरोहा फाउंडेशन अवार्ड करेंगे। अब मैं आइडियल ऑफ यूथ अवार्ड के लिए डॉक्टर शानी साजिद जिनके बारे में अभी फरमान अहमद साहब ने बताया कि उन्होंने बड़े सिफात अंजाम दी है और निजामुद्दीन में रहकर वो बेहतरीन तबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बेहतरीन खानवादे से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद भी निजामुद्दीन में मशहूर डॉक्टर रहे, उन्होंने बड़े खिदमत अंजाम दी। आज वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर तबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमरोहा फाउंडेशन उनको आईडियल ऑफ यूथ अवार्ड से नवाज रही है। हम शहर अमरोहा की जानिब से अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं डॉक्टर शाने साजिद। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो तंदुरुस्त रहे और इसी तरह तिब्बे खिदमात अंजाम देते रहे। शाने साजिद मैं अब उस नौजवान को बुला रहा हूं जिस पर हमें फख्र है और वाकई में वो फख्र अमरोहा हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में आर्ट के मैदान में बहुत काम किया है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात अदबी और सियासी शख्सियात के पोर्ट्रेट उन्होंने तैयार किए हैं, काफी अवार्ड उनको मिल भी चुके हैं। मैं बुला रहा हूँ जनाब सुहैब खान को कि वो तशरीफ लाए और फख्र अमरोहा अवार्ड लें जनाब सुहैब खान। आइडियल ऑफ यूथ अवार्ड दिया जा रहा है जोहर खान साहब को, काबिल मुबारक है वो, काबिल तहसीन है। जोहर खान साहब को ये अवार्ड दिया गया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो और खुदा करे कि वो अपने मैदान में तरक्की करें, हम लोग अपना नाम रोशन करें। जोहर खान साहब उन्हें पढ़ाया है, मैं उनसे विश करूंगा कि वो नितिन आर्य का आगर अवार्ड ले लें और उन तक काफी हो जाते हैं। आसिफा आलमी एडवोकेट जो अमरोहा की मशहूर शख्सियत है और जिनके दरखास्त कर रहा हूँ
है इस मामले में। आसिफ आर्मी एडवोकेट साहिबा अब बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हुई शख्सियत है और उनके शागिर्दों ने वाकई में बहुत तरक्की की है। उनकी उन्होंने जो तालीम दी आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं बुला रहा हूँ उस शख्सियत को जिसको फखरे फ्लोर अवार्ड दिया गया और जो एक अजीम खानवादे की अजीम शख्सियत है। मैं मेरी मुराद है डॉक्टर दीप गोयल साहब से जो तशरीफ लाए और अपने विचार आप लोगों के सामने रखें। डॉक्टर दीप साहब, डॉक्टर दीप गोयल जो है हमारे दिलों में जन्मदिन तो है ही है, इसलिए कि हम रोहा वाले जब भी कोई जाता है उसकी बहुत ज्यादा मदद जैसे करनी चाहिए वैसे ही करते हैं। मैं जब गया हुआ था चूंकि शांचाली खान साहब से डॉक्टर राम की और डॉक्टर गोयल की बहुत ज्यादा कुर्बत थी, मुझसे एक साथ बोले कि आप बहुत हैं, चलिए डॉक्टर दीप से आपको मिलवा दूंगा। चलिए मिलवा दीजिएगा, ऐसा हुआ मेरे को, उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हीं का आया हूँ। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब भी डॉक्टर राम और डॉक्टर गोयल साहब भी रोटरी क्लब के गवर्नर रहे हैं और वैसे जो खिदमत उनकी है वो तो पूरा शहर जानता है, मैं तो जानता, लेकिन ये जिक्र नहीं आ रहा था मुझे तो लगता। मंच पे उपस्थित शख्सियत और मौजूद मेहमानों बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग मिशन की जानिब से जो मुझे इज्जत बख्शी गई है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं, लेकिन ये जानता है कि मुझे फख्र है कि मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ और जब भी कोई यहाँ से आदमी आता है किसी भी मदद किसी भी तरह से बहुत खुशी होती है और मन करता है कि बाहर जाके जितनी भी आप मदद कर सकते करें और ये कोई किसी पे एहसास नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ और उससे भी खुशी महसूस होती है। आज अगर आप देखें तो तीन चीजों का जिक्र हुआ, तालीम, अमन और उर्दू, तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक उर्दू का सवाल है आई थिंक ये गलती ना की जाए कि ये उर्दू एक किसी मजहब से जुड़ी है। उर्दू जबान है इंसानियत की, मोहब्बत की और इश्क की। और एक मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो हम कश्मीर गए, जो माइलस्टोन्स होते हैं उसमें उर्दू में लिखा हुआ था तो मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने फादर से पूछा कि क्या लिखा है। उन्होंने वापस अमरोहा आके मेरा उर्दू का ट्यूशन लगा दिया। सानतुल्ला मसाफ से मुझे नहीं पता आप कितने लोग जानते हैं, काफी बुजुर्ग थे वो, लेकिन सुबह 5 बजे अपनी शेरवानी और टोपी पहन के आ जाते थे। काफी 8 साल का था मैं तो सुबह उठने में काफी दिक्कत होती थी, तो मैं अपनी छोटी बहन से जिक्र कर रहा था कि यार ये बड़ी मुश्किल हो गई सुबह सुबह मास्टर आ जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए। उसने कहा आप ऐसा कीजिए इनकी चाय में सारा नमक और मिर्च मिला दीजिए, ये खुद ही भाग जाएगा। अगले दिन हमने इनकी चाय में बहुत सारा नमक और मिर्च मिला के उनको चाय पेश की, उन्होंने चाय की घूंट पी, वो समझ गए कि क्या माजरा है। बोले बरफुरदार तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं उर्दू पढ़ाए बिना तुम्हें नहीं जाऊंगा। सनातुल्लाह साहब माँ साहब थे, फिर उनका इंतकाल हो गया तो उर्दू मेरी बीच में रह गई और इस बात पर मुझे अफसोस रहेगा हमेशा। तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का और मैं माफी भी चाहूंगा बेअदगी के लिए, मुझे कहीं किसी और जगह मौजूद होना है तो मैं आपकी तकदीर को मिस करूंगा, बेअदगी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर दीप गोयल साहब। इससे पहले कि मैं तकियादी साहब को यहाँ जहमत दूं, मैं अब उस शख्सियत को यहाँ जहमत देने जा रहा हूँ जिनको अभी फखरे अमरोहा अवार्ड दिया गया है और काबिल फख्र शख्सियत
अमरोहा के और अमरोहा के अमाम जिस तरह उनकी शख्सियत को पसंद करते हैं, उनके कलाम को पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेशन के सिलसिले में जब से अमरोहा के कदीमी इदारे इमाम मदारिस इंटर कॉलेज को प्रिंसिपल की हैसियत से उन्होंने संभाला, आज तालीम दिनोली रात चौमी तरक्की कर रहा है, इनके मैदान में बेहतरीन तलबा निकल रहे हैं, डॉक्टर जमशेद कमाल साहब की सरपरस्ती में मैं दरखास्त कर रहा हूँ डॉक्टर जमशेद कमाल साहब से की खुशी में और फिर अवतार से आया जाते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह रब इज्जत के लिए। आज के इस खूबसूरत जलसे की सदारत हमारे हैं मेरे उस्ताद प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद सियादत साहब, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत सफ़ीरे उर्दू आबरूए उर्दू डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर तकी याफ्ती साहब। जितना भी वक्त आज डॉक्टर तकी याफ्ती साहब को दिया जाए वो कम है, हमें उनको सुनना है। परवीन शाकिर ने कहा था कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। आज तकी याफ्ती साहब से मिलने का मुझे मौका मिला, इससे पहले मैं डॉक्टर अजीम उमरफी साहब के जरिए तकी याफ्ती साहब की जो किताबें आती थी उस पर उनका तबसरा हुआ करता था, और जब तक वो हयात रहे और उनके पास जितनी किताबें तभी आप भी साहब के हैं वो सब मुझे भी, तो मैं उन्हें सुनूंगा। और दोपहर की गुफ्तगू अभी तक चंद मिनटों की गुफ्तगू थी, लेकिन वो कई बरसों पे मुहित है। मैं समझता हूँ कि उस जो खूबसूरत गुफ्तगू तभी आप भी साहब ने अपनी सिर्फ मामूली सी गुफ्तगू अनीसुद्दीन के हवाले से पेश किए, वो कभी फरामोश मैं नहीं करूँगा, कभी भूलूंगा नहीं। मैं नाथ के चंद शेर सुनाता हूँ, तीन चार शेर, जॉन एरिया का भल्ला है और जॉन की जमीन में नाथ के तीन चार शेर। नाथ कहमी है उनकी शान में क्या, नाद कहनी है उनकी शान में क्या, शहद घोला है यूं जबान में क्या, शहद घोला है यूं जबान में क्या, जैसे आका के घर में है अफराद, जैसे आका के घर में है अफराद, हैं किसी और खानदान में क्या, जैसे आका के घर में है अफराद, हैं किसी और खानदान में क्या, क्यों नहीं लब पे जिक्र शहरे इल्म, क्यों नहीं लब पे जिक्र शहरे इल्म, है अबू जहल दिल मकान में क्या, है अबू जहल दिल मकान में क्या, तुम जो दुनिया में उनसे बैठे हो, तुम जो दुनिया में उनसे बैठे हो, देर है कुछ अभी अजान में क्या, तुम जो दुनिया में उलझे बैठे देर है कुछ अभी अजान में क्या। और जॉन का मिसरा, क्यों नहीं भेजते दुरूद सलाम, क्यों नहीं भेजते दुरूद सलाम, आबले पड़ गए जबान में क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमरोहा फाउंडेशन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, बल्कि आज पूरा अमरोहा का अहले अदब इसका शुक्रगुजार है कि डॉक्टर तकी याफ्ती साहब जैसी शख्सियत को फरमाने अदर यहाँ ले आए, हम उनके ममनून हैं। फरमाने अदर ऑनलाइन तकी याफ्ती साहब को सुनवाते रहे हैं, यकीनन आज ये फख्र की बात है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो फख्र कर रहे हैं। फिर आपने तो अपने लिए कहा था आने वाली नस्ल फख्र करे, लेकिन मैं नाज करेंगी, लेकिन मैं ये फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज तक ये अब्दी साहब से बरबरू हुआ मुलाकात होगी। जहाँ तक अवार्ड का सिलसिला है, अवार्ड यकीनन आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, मैं शायद इस काबिल तो नहीं, इनकी मोहब्बत है और इनके फाउंडेशन के जो पैटर्न्स हैं और
जो कमेटी है उसका शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसे काम कर सकूं जो मुझे अवार्ड दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमशेद कुमार साहब, बेहतरीन शहर आपने हैं जॉन साहब की जमीन में बारगाह-ए-सलाम में पेश करने की शहादत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया और मुख्तसरन आपने मेरी अपील पर अमल करते हुए अपने अफकार से जमा यहाँ हमारे अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़दारी साहब तशरीफ़ फरमा है, उनसे मैंने कहा था अगर उन्होंने इनकार कर दिया। अंजुमन हमारी रज़ाकारानी हुसैनी जो हमारी दूसरी नुमाइंदा जो है उसके जनरल सेक्रेटरी मोहतरम खुर्शीद जैदी साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा जिनको गवर्नर अवार्ड से नवाजा गया वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए और हमारे अंजुमन रज़ाकारानी हुसैनी रजिस्टर्ड अमरोहा के कायद जनाब गुलाम सज्जाद साहब रिटायर्ड इंजीनियर यहाँ मौजूद थे, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नहीं है, उनका भी के भी हम शुक्रगुजार हैं अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से। अब जिस शख्सियत का आपको इंतजार था मैं बताऊँ कि जिन संस्थाओं को हमारी सात संस्थाएं हैं कोरोना काल में जिन्होंने काम किया है उनको तकी आपकी से अपनी तकलीफ के बाद अवार्ड किया जाएगा और उसमें हमारे सेवा भारती के प्रेसिडेंट योगेश अग्रवाल जी मौजूद हैं और एक संस्था जो सचेतक के उन्माद से है उसके प्रेसिडेंट विमल किशोर वंदे मातरम यहाँ मौजूद है, मुस्लिम कमेटी अंजुमन हुसैनी इसके नुमाइंदे सब यहाँ मौजूद है, उनको अवार्ड किया जाएगा फाउंडेशन की जानिब से। फ्रेंड्स कलम और परवाज कर फ्रेंड्स कलम और परवाज अमरोहा और परवाज कलम भी जो परवाज फाउंडेशन इसने बेहतरीन काम किया था उनको अवार्ड किया जाएगा। नासिर अजीज साहब से दरखास्त है तशरीफ रखें, मैं जिसका बेचैनी से आपको इंतजार है जिस शख्सियत को सुनने के लिए जिनके अफकार सुनने के लिए हमने बहुत बार टीवी के जरिए उनको सुना है, आज हम उनको मुजस्सम यहाँ देख रहे हैं, फख्र है हमें उनकी जात पर क्योंकि नौगामा और अमरोहा अलग नहीं है एक ही है, तो वो फख्र नौगामा भी है, फख्र अमरोहा भी है, फख्र हिंद भी है। बड़े काम अदब के सिलसिले में उन्होंने किए हैं, जैसा कि आपको इल्म है कि वो हार्ट के बेहतरीन डॉक्टर हैं और कनाडा में ये फ्राइज भी अंजाम दे रहे हैं, इसके साथ साथ उर्दू अदब के सिलसिले में जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं उसके लिए वो लाइक है, तहसीन है, काबिल मुबारकबाद हैं। हम खुदा आलम की बारगाह में दुआगो हैं कि परवरदिगार तंदुरुस्त रखें और इसी तरह से वो उर्दू की खिदमत अंजाम देते रहे हैं। आज वो अमरोहा की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर नासिर नकवी साहब ने कहा था कि ये सरजमीन कौन सी सरजमीन है, कैसी सरजमीन है, इसके बारे में प्रोफेसर डॉक्टर नासिर नकवी ने बड़ी तफसील से कहा। कोताही होगी कि हम डॉक्टर अजीम अमरोही साहब का तस्करा ना करें, पिछले साल ही वो हमारे बीच से चले गए, बड़े कारनामे डॉक्टर अजीम अमरोही साहब के हैं, रसाई अदब के सिलसिले में बड़ा काम है उनका और वो मर्सिया आलमी मर्सिया फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने बहुत काम किया, बहुत किताबें उनकी मंजरिया पर आ चुकी हैं। तो आज हम इस अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से इस प्रोग्राम में खराज मिजत पेश करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम अमरोही साहब को, खुदा तआला उनकी मगफरत फरमाए और आला दर्जा उनको अदा फरमाए। और इसके बाद बड़े अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर तकी आब्दी साहब की खिदमत में जो तशरीफ लाए
और अपने कार्यालया से आप हजरात को महसूस करवाएं डॉक्टर तकी आलम जी। सदरे महफिल, हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन, हज़रत आला मौलाना सियादत साहब क़िबला, शहनशीन पर मौजूद अकादरीन व मुशाहिदीन और मेरे सामने मौजूद इस खूबसूरत शहर के वो तमाम चेहरे जिनसे सिवाय मोहब्बत के और कुछ चीज आया नहीं है, बहुत मुख्तसर बात करूंगा। इस वजह से ये बात बहुत मेरे लिए मुश्किल हो गई है, लेकिन मेरी बात को आसान करने में प्रोफेसर अब्बास जो अलीगढ़ से तशरीफ लाए उन्होंने दो नुक्ते दिए। मसला ये है कि दाह ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम अभी जानते हैं दाह, हिंदुस्तान में तू हमारी जबान की है। आपने देखा कौन सी ऐसी महफिल है, ये अमरोहा फाउंडेशन जिसने फखरे अमरोहा यहां पर अवार्ड दिए, वो कौम जो अपने हीरोज को, अपने अजीम शख्सियतों को, अपने नामवर दानिश्वरों को याद नहीं करती वो भी मिट जाती। मैं सलाम करता हूं ये है जरा, लेकिन पूरा मेरी गुफ्तगू अब दूसरे नहज पर चल रही है। कोई मैं दुनिया भर में फिरता रहता हूं, है कोई ऐसी अदबी महफिल जिसको अमरोहा फाउंडेशन, ट्रू टीवी और फरमान हैदर जैसी शख्सियतों ने, जिसमें इस परसेंटेज के महफिल हो हमारे कल्चर की, हमारी जबान की और हमारी तहजीब की, और इस मकदार में नौजवान उसमें शामिल हो, मुझे उसका पता नहीं। ये सबसे बड़ी अलामत है। और सबसे 1903 में हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया और आज उर्दू तहफ्फुज बोर्ड की जरूरत इस वजह से हासिल हुई कि हमने उसको अपने नौजवानों से कनेक्ट नहीं किया। इस कर्फ्यू के जमाने में, इस बला के जमाने में, इस बीमारी के जमाने में ये नौजवान बैठे हुए तरीके से हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मैंने गुज़श्ता एक महीने में कम से कम 23-24 मुकामात और 23-24 शहरों में गुफ्तगू की। मैं मुबालिगे का आदमी नहीं हूं, वो उर्दू जिसमें अमरोहे की मोहब्बत, जिसमें लखनऊ की नजाकत, जिसमें आगरे की सजावट, जिसमें बंगाल की जकावत, जिसमें कश्मीर की लताफत, जिसमें अब तो उर्दू की नई बस्तियों में जिसमें लंदन की सियासत, जिसमें अमेरिका की सहाफत और हमारे कनाडा की, यूं समझिए कुछ ना कुछ सियासत शामिल है। आप सबको सलाम करता हूं। उर्दू अभी आपने देखा, उर्दू मुसलमानों की बड़ी जबान, लेकिन उर्दू मुसलमान है। उर्दू को गिलक्रिस्ट ने मसीहत सिखाई, उर्दू को मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया, उर्दू को चटपस ने रामायण सिखाई और उर्दू को गुरु नानक साहब ने, आपके बेदी ने गुरु नानक साहब सिखाई।
तो दक्कन में पली जो दिल्ली में घुटनियों जो लखनऊ में दुल्हन बना और जिसका वलीमा इस अमरोहे में आज पूरा एशिया महका हमारी दुनिया में उर्दू की नौ बस्तियां हैं हमारे पास तो वो उर्दू आप जानते हैं कि चंचल थी शरीफ थी जवान थी खूबसूरत थी और फारसी उसकी सौगंध दरबार में आने नहीं दिया तो उधर मोहम्मद कुली कुतुब शाह उसके गेस्टों के असीर बन गए इधर वाजिद अली शाह उसकी आंखों की आग के तारीफ में मशगूल हो गए इधर शाह आलम उसके गेस्टों के चाने में मशगूल हो गए तो वो उर्दू जिस पर गजल ने क्या किया लाली लगाई जिसकी मसनवी ने चोटी बूंदी जिस पर रुबाई ने चारखा चढ़ाई तो वो उर्दू आज ₹50 मिलियन अफराद उर्दू जान जाए हम अगरचे के यूनाइटेड नेशन के लिहाज से 24वें नंबर पर हैं लेकिन यूनेस्को के लिहाज से हम 7वें नंबर पर यानी जब मैं मुझे पानी दो तो 450 मिलियन अपनी जबान बन के रह गई है की जबान है अगर मैं ये लिख कर कहूं कि मुझे पानी दो कहता है कि जिस जबान में अदब आलिया होता है वो कभी बोली नहीं बन सकती इस ग्लोबल विलेज में इस 21वीं सदी में उर्दू को सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं उर्दू बोली ना बन जाए बड़ी जबान अदब आलिया हमारे पास मीर अनीस से मिर्जा गालिब से मोहम्मद अकबाल से और मीर तकी से शामिल है तो इस उर्दू के लिए रस्म उल्खत की जरूरत है तो उर्दू का रस्म उल्खत उर्दू की कमीज नहीं है कि हम मांग कर निकाल दिया जाए बल्कि उर्दू का रस्म उल्खत इसकी आन है इसकी बान है इसकी जान है इसकी पहचान है जिसका काम हम पर है कि उर्दू का रस्म उल्खत की हिफाजत की जाए किसने कहा अभी कितनी कितनी खूबसूरत पुस्तक हुए किसने कहा कि आप अपना साइन बोर्ड उर्दू में ना लिखे किसने कहा कहा कि आप उर्दू अखबार ना पढ़े किसने कहा कि उर्दू तो मालूम यह हुआ कि उर्दू को आज रोटी और रोजगार से जोड़ना है उर्दू को आज नस्ल जवान से जोड़ना है उर्दू की बुनियादी तालीम इंशाल्लाह इस देश में तमाम दुनिया के देशों को मिलाकर उससे ज्यादा उर्दू में एमए और पीएचडी होते हैं यानी हम छठी मंजिल पर शैंडलियर लगा रहे हैं कलर कर रहे हैं पला कर रहे हैं लेकिन हम बुनियादी तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं कितने हमारे पास लोग हैं जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं यह मसला है मैंने आज से 18 साल पहले तहकीक की कि कुरान मजीद के सबसे ज्यादा तर्जुमे जो हुए हैं वो उर्दू में हैं जिनकी तादाद मैंने देखा था कि 92 है फारसी तो दूसरे नंबर पर है 56 उर्दू शरीफ पर मेरा काम है आप जानते हैं पूरा पढ़ दूंगा आपको वो असर नहीं होगा तकबुल नहीं कर रहा हूँ मगर एक हिस्सा पढ़ दूं ये सब तुम्हारा करम है आबा के बाद अब तक बनी हुई है तो उर्दू जबान का मादरी जबान का असर ही हो तो उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है उर्दू की बुनियादी तालीम करना उर्दू को रोटी और रोजगार से जोड़ना उर्दू को अपनाना है इस वजह से कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है तो इस पुराशोक दौर में इस 21वीं सदी और ग्लोबल विलेज में जहां पर रास्ते सुपर रहे बहुत जरूरत इस चीज की है
सबसे ज्यादा अहमियत तख्लीकी मसाइल। अभी आपने क्या खूबसूरत जवान शायरों को आपने शेर सुने ही नहीं है, मगर एक चीज अफसोस से ये कहूं, परसेंटेज जो है आजकल हमारे शोरा का वो दुनिया में शायद इतना कभी नहीं हुआ, कम लेस देन 0.2% हो गए। अगर 450 मिलियन अफराद उर्दू समझ सकते हैं तो आप 3000 शायरों के नाम मेरे पेश करेंगे, 3000 के बाद हर शायर का नाम पेश करके मैं आपको इनाम दूंगा, नहीं मिलेंगे। तो 450 मिलियन अफराद एक जबान के और आप 3000 शायर का नाम पेश ना कर सके पूरी दुनिया में, अलमिया हकीकत की गुफ्तगु कर रहा हूं। वो एक पत्थर फेंक लिए जिसमें भी पड़ेगा शायर रहेगा, ये बकवास है, हकीकत बयान कर रहा हूं। तख्लीक की जरूरत है, तख्लीक की जरूरत इस वजह से है कि जवानों को उसकी तख्लीक पर हमारा साहिब सदर मुशायरे में बैठ कर अपनी गर्दन उठाता ही नहीं है, जब मेरा मुब्तदी शायर आता है उसकी तारीफ ही नहीं करता, तो तख्लीक कैसा आगे बढ़ेगी। भवन साहब सीमा बकरवादी का मैं आशिक हूँ, सीमा बकरवादी 1931 में कहते हैं हमारे मुशायरों को खराब मत कीजिए मुब्तदी शायरों को बुलाकर, बल्कि मुब्तदियों के मुशायरे अलग कीजिए, असातिज़ा के मुशायरे अलग कीजिए। बड़े हाथ जोड़कर कहता हूँ तो फिर इनकी तस्वीर कैसी होगी, इनके मसायल की हल होगी। आपने देखा कि किस असर पर हम खड़े हुए, डायग्नोसिस हूँ मैं, फिजिशियन मैं, अदब का मैं, सेहत का तबीब हूँ, अदब का मरीज हूँ, उर्दू का वकील आपका आशिक। अभी कितनी खूबसूरत गुफ्तगू। मसला यह है कि जब तक आप तशखीस और डायग्नोसिस ना करेंगे ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो मेरी गुफ्तगू तल्ख हो रही है इस खूबसूरत असीर महफिल में, लेकिन क्या करूं, मेरा काम उर्दू की वकालत है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम कुछ फराइज हम पर हैं। मैं अर्ज यह कर रहा था कि इतने पीएचडी और एमए होते हैं लेकिन बुनियादी तालीम नहीं हो रही है। अलिफ से अमरूद पांच जबाने पांच आवाजें पेश की जा रही है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा। पॉलिटिक्स देखिए दूसरी जबानों में क्या मसाइल है। तो नौजवानों से मैं इस्तेदुआ करूंगा कि उर्दू की तरफ इस वजह से तवज्जो करना, उर्दू जिसको आज टेररिस्ट की ज़बान कहा गया। एक दोस्त डेविड मैथ्यू जिनका इंतकाल हुआ जिसको हम दाऊद बंदनी कहते थे, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा आबेदी साहब आप समझते हैं अल्लामा इकबाल को कितने परसेंटेज यहाँ के लोग लंदन के जानते हैं। मैंने कहा 10%। कहा 10% भी नहीं, 3% भी लोग इकबाल के नाम से तो वाकिफ हैं लेकिन इकबाल से वाकिफ। तो आप देख रहे हैं कि आज जो उर्दू मोहब्बत की जबान है तो आपको मर्सिया पेश करना पड़ेगा जिसमें हिफ्ज़ मरातिब है, जिसमें अखलाक साजी है, ऐसी पाकीज़ा नज़्में हैं खेमे पर कुरान पर खेमे लगाए जाते हैं। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। शुक्र कहता है खेमे हटाए जाए, अब्बास को जलाला करता है, मीर अली इस्लाम का शेर होता है, सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई, सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में कह दिया के पांव न रखना तराई। इस्लाम का रूल हो रहा कि ऑफेंसिव नहीं है ये दिन, ये दिन मोहब्बत का। आप देखिए किताबे अखलाक का कोई दर्स है जो आपको मेरे मर्सी करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजत है सवाल, किसी के सामने क्यों हाथ जाके फैलाऊं, मेरा करीम तो देता है बेसवाल मुझे। अखलाक साजी का मुरब्बा, अखलाक साजी के इल्म की पूरी दुनिया है। तो ये सिंह और ये सरसमीन जैसा अभी इस्माइल
पहले रिसाई मर्सिया गो का जिक्र हुआ, जहां पर नसीम और मुसफी और शमीम ये तमाम खानदान आप देख रहे हैं। हमारा जो ये सिलसिला जो जहब है, ये सोने की जो जंजीर है, यानी पहला तरक्की पसंद शायर हमारा गालिब मरहूम, उससे 20 साल छोटा सर सैयद, और सर सैयद से 20 साल छोटे अल्ताफ हुसैन हारी, और अल्ताफ हुसैन हारी से 20 साल छोटे शिबली नोमानी, और शिबली नोमानी से 20 साल छोटे अखबार। तो आप देखेंगे कि ये जो सिलसिला है इन्होंने उर्दू को क्या दिया। तो मैं ममनून हूं आज जो फख्र अमरोहा जिन लोगों को दिया गया, डॉक्टर साहब को दिया गया, आज मैं गुफ्तगू कर रहा था डॉक्टर जमशेद कमाल साहब से, और अभी मैंने महबूब साहब से भी मुलाकात की। ये वो लोग हैं जिनको देखकर नौजवान सबक हासिल करते हैं। तो मैं आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैं सलाम करता हूं और कह रहा हूं कि यही चीज है जो उर्दू को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उसके कुछ मसाइल हैं जिसकी तरफ हमको तवज्जो करने की जरूरत है। हमारे पास आप देखिए कि हजारों से किताबें, अभी मैं इस कोविड के जमाने में टोरंटो में बैठकर मैंने 7 किताबें तसनीफ और तारीफ की। मैंने एक किताब गुलिस्तान हिंद जो कल उसकी रुनुमाई होगी, वो मैं लाना भूल गया, आपको बताना चाह रहा था कि ये वालिद के शागिर्द बाल मुकंद की किताब है। मुझे किसी पुरानी किताब में एक मखतूता मिला जो 84 सफ़े का था, और वो गालिब के शागिर्द बाल मुकंद का था, उसका नाम था गुलिस्तान हिंद। ये गुलिस्तान साथी का बिल्कुल मिनी है, गुलिस्तान साथी 800 सफ़े की है, ये 84 सफ़े का था। वो ईरान के बारे में था, ये हिंद के बारे में था, लेकिन पूरी तरीके से वही 5 किस्मों में। तो एक सुनाना चाहता हूं मैं आपको एक हिकायत, जो बाल मुकंद जो दफ्ता का भांजा है वो लिखता है कि जिस जमाने में, क्यों मैंने ये किताब चाहिए जो कल आप लोगों को मिल जाएगी, लिखता है जिस जमाने में जामे मस्जिद दिल्ली बनाई जा रही थी, तो कुछ मुतासिब उमरा शाहजहां के सामने आए और कहा, शहंशाह आप जो जामे मस्जिद बना रहे हैं इसके खिलाफ कुछ मंदिर हैं, इन मंदिरों को तोड़कर उसमें जो कीमती चीजें हैं उसको लाकर मस्जिद की जीनत बना। शाहजहां ने कहा, पहली चीज, मस्जिद में कोई चीज बसपी नहीं आ सकती, दूसरी चीज, मैं शहंशाह हूं, मेरा फर्ज यह है कि मेरी रियाया की इबादत गाहें उनके हुकूक उनकी जिंदगी हर चीज की मैं हिफाजत करूं, ना कि उसको मिसमार करूं। तीसरी चीज यह है कि एक दिन अगर इस कौम का इकबाल बुलंद होगा तो वो हमारी मस्जिद को तोड़कर अपनी चीजें ले जाएंगे, तो तुम्हारी यह बकवास है, तुम मेरे सामने से मर्दूत हो, निकल जाओ। ये है किताब और अदब का फरिश्ता। अदब क्या है? अभी जो गुफ्तगू हुई, आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अस्मुकाम आदमी। आज सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे पास है कि इंसान चांद के अलावा सितारों पर जा रहा है लेकिन दूसरे इंसान का एहतराम नहीं कर रहा है बल्कि कह रहा है, तो वो आदमियत। तो अदब में आपको हुकूक इंसान मिलेगा, अदब में आपको फजीलत इंसान मिलेगी, अदब में आपको, आप जानते हैं कि इंसान का, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जो हमारे उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने पेश किए कि आदम अज बी बसरी बंदगी आदम का, आदमी न अंधेपन से दूसरे आदमी का गुलाम बन गया। बबरी दाश
बड़ी नजर इबादो जन है उसको अशरफुल मखलूकात ऐसा ने तकवीन इंसानियत के जौहर पे उसने अपने हुक्मरानों के पैरों में निशाबत कर दी यानी असूए गुलामी से सकम फास्तर यानी इंसान फितरत में कुत्तों से भी नीचे गिर गया इकबाल कहता है मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सजदा करते नहीं देखा लेकिन मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने सजदा किया ये चीज अदब देता रगों में वो लहू बाकी नहीं वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है नमाजो रोजा वो कुर्बानियां हज ये सब बाकी है तू बाकी नहीं तू क्या है अदब बताता है वो तू क्या है इंसानियत की शराफत है ना नहीं कहा अकबाल ने कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज ना हो बल्कि अकबाल ने बताया कि इस्लाम कहता है कस न बशद दर जहां मोहताज कस कोई भी इस दुनिया में दूसरे का मोहताज ना रहे नुक्ते शर्रे नुकी इन अस्तबस यानी कुरान का इस्लाम का धर्म का मकता यही है कि कोई शख्स दूसरे शख्स का मोहताज ना हो वो अदब है जिस पर हम मिलके बैठते हैं वही अदब है जिसकी हमारी जबान है तो कहने का मतलब यह है कि मैं शीरी बात करने वाला तरफ रास्ते पर गुजर गया इस वजह से कि मेरे नौजवान यहाँ पर थे मैं ममनून मैं मशकूर मैं बहुत आज जो इज्जत मुझे तमाम मेरे दोस्तों और अहबाब ने दी है मैं उसका शायान नहीं हूं लेकिन यह है कि आप लोगों ने मुझे नवाजा है बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सलामत रहें आपको जो फख्र दिया गया है वो हमारा आपकी जो असमत है वो हमारा आपके लिए यही चीज होती है आज मैं जमशेद कमाल साहब के कॉलेज गया मैंने देखा एक रोशन भी वही इल्म असल में इल्म कर दिया यकीन के साथ पढ़ाया जाए यानी ये शरीयत हो के तरीकत हो के हकीकत हो ये है इल्म इल्म में अमल अगर अमल नहीं तो इल्म बेकार अमल अमल में अगर इखलास नहीं तो अमल बेकार इखलास इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार तो ये जो तरीका है आपके यकीन से कहना है यानी आप सिर्फ नमाज 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 कहते रहे तो ये उसमें अमल ना करें तो ये नमाज नमाज कहना बेकार है जब आप नमाज भी पढ़ने लेकिन उसको बता रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे तो नमाज पढ़ना बेकार और ये भी कहे कि आपके इखलास भी है मगर ये यकीन नहीं है कि खुदा है कि नहीं है वो भी बेकार तो ये जो फलसफे इल्म का आपके यकीन उस मंजिल पर हम बस आखिरी एक हिकायत बयान करता हूं अबू सीना आए देखिए मैं आमतौर से एक्सटेंशन लेक्चर्स देता हूं तो एक एक घंटे की बात करता हूं लेकिन जो शख्स 100 किलो का वजन उठा सकता है 2 किलो भी उठा सकता है मैं समझता हूं तो एक मिनट में खत्म कर रहा हूं तो मैं ऐसे कर रहा हूं अबुल खैर अपने खानखा में बैठे हुए अबू सीना आते हैं 40 साल छोटे हाथ पकड़ कर उसका ले जाते हैं पूरे 18-20 घंटों के बाद जब बाहर आते हैं और अबू सीना खुदा हाफिजी कर कर चले जाते हैं तो शागिर्दा ने अबुल खैर पूछते हैं दरिया ये कैसा शख्स था आपने क्या समझा एक जुमला कहते हैं आंचे उमी शनि दी मानी मी दीदा वो जो सुन रहा था
मैं उसको देख रहा था। यानी ये जुमला क्या है कि अगर इस पर्दे के पीछे कुछ आहट हो रही है तो इम्कान ये है कि शायद बिल्ली होगी, शायद चूहा होगा, शायद कुत्ता होगा, लेकिन जो शख्स देख रहा है उसको तो इल्म है कि वो बिल्ली है या कुत्ता है या चूहा है। तो जो फर्क गुमान और यकीन में है, अबुल फर कह रहे थे कि वही फर्क मुझ में और सीना में है। तो गुमान की मंजिल, इसीलिए कहा जाता है कि शनिदन के बबत दीदन, कहां गुमान कहां यकीन की गुफ्तगु। तो मैं यकीनन आपसे कहता हूं कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से ये नौजवान, जिस तरीके से अमरोहा फाउंडेशन, जिस तरीके से ट्रू टीवी गुज़िश्ता इस बला के जमाने में इस तौर पर काम किए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं और उम्मीदवार हूं कि हर रोज इसी तरह से आप लोग शमा जलाते रहें। आप लोग जो ये हमारी जो अमानत है, इस अमानत को हम चाहते हैं कि पूरी नस्ल जवान तक पहुंचाएं। और मुतमईन हूं कि आज के जो शोरा, मैंने अभी कल गुज़िश्ता मैंने उकला में भी शायरों को सुना, जवान शायरों को, जब तक के इस लेवल की शायरी हो रही है, मुतमईन हूं मैं फारसी पर भी नजर रखता हूं, आप जो उम्दा तरीन आप शायरी हो रही है तख्लीक के, गीरम के मरा दर्ज नवश्ता नशद अज़ियाद, मैं खलम इसलिए पकड़ा रहता हूं कि कहीं लिखना भूलना चाहूँ। तो आप लोगों से मारूजा यही है कि तख्लीकात करते रहिए और वो अफसाना हो के, कहानी हो के, वो नज़्म हो के, मिसरा हो, और इस सरजमीन क्या कहते हैं शेर व अदब है, इसकी रोशनी को, इसकी ताबनागी को, इसकी खुशबू को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब तखी आपके साथ गुजारिश करूँ कि नीचे कह रहे हैं और मौलाना भी पूछा रहे हैं, और हमारे आज के नाज़िम जनाब कमाल हैदर, कमाल नकवी साहब को मोमेंटो और शॉल देगा। मैं अकबर भाई से गुजारिश करूँगा, अकबर भाई भी मैं आ जाए और ये कमाल भाई को, क्योंकि कमाल भाई हमारे साथ मुसलसल शुरू से हमारे प्रोग्राम में निदामत करते रहते हैं और हमारी सरपरस्ती करते रहते हैं। मैं अब उन लोगों को हम मोमेंटो और सम्मान देंगे जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं भुवन जी से भी गुजारिश करूंगा, भुवन को अपनी जो किताब है अमरोहा के रतन, वो तकी आब्दी साहब को देख, अमरोहा के गौरव, वो किताब भुवन जी ने लिखी है और ये बहुत बड़ा काम है। और अब एक भुवन जी एक काम और कर रहे हैं कि ये जिले के लिए एक किताब लिख रहे हैं कि अमरोहा जिले के जो गौरव है उनके लिए। अब हम जो संस्थाएं हैं उनको अवार्ड देंगे, उसके लिए मैं कमाल भाई से गुजारिश करूंगा और कमाल भाई माइक संभाले। अभी बड़ी इल्मी और अदबी तकरीर से मोहतरम तकी आफ़ी साहब नवाज रहे थे, और उन्होंने अपील की कि हमारे नौजवान अपने कदीमी मामलात को और अपनी जबान को संभाले रहे, और जो हमारे नौजवान शुआरा इस वक्त शेर कह रहे हैं उससे भी तकी आब्दी साहब मुतमईन है। अमरोहा अंजुमन तहफ़ज़ेदारी रजिस्टर्ड अमरोहा के प्रेसिडेंट को बुला रहा हूँ कि वो आए और कोरोना काल में जो अंजुमन तहफ़ज़ेदारी ने कारनामे अंजाम दिए हैं उसके लिए अमरोहा फाउंडेशन उनको अवार्डेड कर रही है। हसन शुजा साहब प्रेसिडेंट अंजुमन तहफ़ज़ेदारी अवार्ड ले रहे हैं। अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी रजिस्टर्ड अमरोहा के जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद अली साहब जो हमारे अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं अंजुमन के प्लेटफॉर्म से कोरोना काल में। वो
अंजुमन लगा महारानी हुसैनी देश प्रणाम करवाके जी साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमरोहा, आप ये अमरोहा के लिए थक रहे हैं, आपको गवर्नर अवार्ड से नवाजा गया, वो अवार्ड ले रहे हैं, कोरोना काल में जो काम किया है नुमाइंदा मुस्लिम कमेटी के नुमाइंदे साहब को कि वो आए और कोरोना काल में जो कार है नुमाइंदा पंजाब मुस्लिम कमेटी ने उसके लिए हम लोग फाउंडेशन अवार्ड कर रही है मुस्लिम कमेटी हम लोग को ओएस विश्वनाथ साहब भी ये अवार्ड ले रहे हैं। अब मैं बुला रहा हूँ आदरणीय योगेश अग्रवाल जी जो हमारे सेवा भारती के प्रेसिडेंट हैं। सेवा भारती संस्था जो है ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और आरएसएस का बहुत मजबूत विंग है सेवा भारती, उसके प्रेसिडेंट जनाब योगेश अग्रवाल जी जल्दी सभी लोगों से दरखास्त है कि वो अमरोहा फाउंडेशन की तरफ से खाने का इंतजाम किया गया है तो सभी लोग खाना खा जाए। अरे सेवा भारती के प्रेसिडेंट को आने दीजिए, बहुत जल्दी ही करना है। सेवा भारती के प्रेसिडेंट आदरणीय योगेश अग्रवाल जी ये अवार्ड ले रहे हैं। योगेश अग्रवाल जी हम लोग आज बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा के नुमाइंदे आज तशरीफ लाए मोहम्मद अहमद सैदी, फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद सैदी, फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रवास फाउंडेशन से ये प्रवास का ये प्रवास फाउंडेशन के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं जो प्रवास फाउंडेशन की बहुत अच्छे काम करती रहती है और कोरोना काल में भी इस फाउंडेशन ने बहुत काम किया है। सचेत नागरिक संस्था के अध्यक्ष बड़े भाई सचेत नागरिक संस्था
प्रेसिडेंट निमल किशोर माधवन जी चले गए हैं, उनका अवार्ड योगेश अग्रवाल जी ले रहे हैं। युवा एकता कमेटी, युवा एकता कमेटी के प्रेसिडेंट तशरीफ का है आसिम आबदी साहब। युवा एकता कमेटी के प्रेसिडेंट आसिम आबदी साहब आए। सब फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आए। सब अली आबदी साहब, अली आबदी साहब सवाल ले रहे हैं और पत्रकारों को जो अवार्ड दिया जाएगा वो अली आबदी साहब जो हमारे हिंदुस्तान एक्सप्रेस के जिला नुमाइंदा है वहां है और पत्रकारों के हमारे तमाम पत्रकार घर जो है चली जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे कमाल साहब जी है, तो मैं कमाल साहब की सम्मान कराता हूँ। बाकी जो शॉले हमें इनको पत्रकारों को देनी थी वो हम कल तभी आपके सामने पहुँचा देंगे, वो उन तक पहुँचा। कमाल साहब, कमाल हसनैन से गुजारिश है कि वहाँ सियासी तरतीब के नुमाइंदे कमाल हसनैन साहब। ताकि आपकी साहब को ये शाल पहना कर सम्मान देंगे, ताकि आपके साथ जी पत्रकार ये कमाल हसनैन साहब है सियासी तहकीक के और हमारे साथ है ताकि आपकी साहब, ताकि आपकी साहब, ताकि आपकी साहब करेंगे और तमाम अपना खाना खा ले, खाना लगी है। आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग खाना खा के जाए और